गुजी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना मैया जब होए यशोदा मैया के किनारे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया के दिन बोले तेरे मौज बहु चरणन में घुटवन जे बल डोले तेरे मौज बहु चरणन में घुटवन कर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो आशा ने कर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो आए तो अभी प्रारंभ होगी। गोप ने लठिया लेकर के आए और सर के ऊपर में दो मटकी रखी थी उसको मारे और कीर्ति का मैया तो दूध दही में स्नान कर ली। फिर दही में हल्दी और घी मिला करके जिसको दधिकादी कहते वो मंगलवाची एक दूसरे को ऊपर लगा दोनों तरफ में दोनों पकड़ करके रखे। कल हम लोग जो श्रवण कर रहे थे समुद्र मंथन की जिसमें देवता दैत्य मिल करके समुद्र किया। बोले देवता कौन है? बोले रजोगुणी। बोले दैत्य कौन है? बोले ये तमोगुणी। ये रजोगुणी तमोगुणी मिलकर के मंथन की। और कौन सा समुद्र को? बोले लवण समुद्र को। बोले सबसे पहला क्या उठा? बोले जहर बीस जिसको भोले बाबा ने पान की तो जिनका नाम पड़ गया श्री नीलकंठ पड़ गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। और जिसमें 14 रत्न निकला था। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते बोले परीक्षित आज तो नंद बाबा ने इतने हीरे जवाहरातों को उन्होंने लुटा। ब्राह्मण लोग तो गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे और उसकी कोने से गिरते 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 जा रहा था। अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी
प्रसन्न होकर के अली गलियों में नाच रही हैं। अली गलियों में अभी बड़ी बुढ़ी आई थी, वो देख रही थी, बोले भैया बड़े जोर के नंद महोत्सव है रहे। एक गोप ने किया कि एक मक्खन की डेला उठा करके सीधा उसकी मुंह को लक्ष्य करके फेंका, और वो 100 साल की एक दांत थी नहीं, और उसको मुंह में मक्खन की डेला लगी ना, वो अंदर में सीधा के सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, हाँ कोई भूखे नहीं रहते हैं, वहां पर 33 करोड़ देवता आए थे, भोले बाबा भी वहां पर आए थे। भोले बाबा तो चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों? बोले नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दिया। अब समझो 20 लाख कितना होता है, 20 लाख गैया दान दी। शंकर तो डर गए, बोले क्यों डर गए? बोले इतने गैया दान दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो गैयाओं को दान देते देते मेरा भी वाहन भी तो नंदी है, वो भी तो बैल है, अगर भूल से मेरे बैल को अगर दान में दे दिया फिर मैं किस में चढ़ करके जाऊंगा। शंकर नंदी की पूंछ को पकड़ कर खड़े हो गए। वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, उनको भी 2 लाला है। बताओ तो पार्वती की 2 लाला कौन कौन है? जोर से बोलो, जो गणेश ये गजानन है, इसका हाथी का जैसे उसका सर है, इसलिए कहते ना हाथी घोड़ा पालकी। इतने हाथी घोड़े दान दे रहे, मैया पार्वती तो डर गई, बोले क्यों? बोले इतने हाथी घोड़े दान दे रहे हैं, ऐसे नहीं भूल से मेरे बच्चे को अगर हाथी मान करके दान में दे दिया तो मेरे लाला ही चला जाएगा। मैया तो गणेश जी को गोद में उठा करके चुपका करके वहां पर खड़ी हुई थी। वहां पर स्वर्ग से कुबेर भी आए थे। कुबेर कौन है? सारे धन दौलत संपत्ति की जो ट्रेजरी जिसको पास में, चाबी गाड़ी जिसको पास में, मालिक जिसको पास में, लेकिन आज श्री नंद बाबा ने इतने दान दक्षिणा दी, इतने दान दक्षिणा दी, कुबेर भी लज्जित होकर के सर को नीचे कर दिया। बोले ठाकुर जी मेरे को क्यों झूठ कुबेर बना दिया? आज नंद बाबा इतने दान दक्षिणा दे रहे हैं, भैया मेरे पास में भी इतना धन दौलत है, बोले इतने कहां से आ गई? जहां कुबेर भी लज्जित तो हो गया। बोले जब भगवान कृष्ण जन्म हुए वहां पर जो सर्व लक्ष्मी मई श्री राधा रानी भी प्रकट हो गई और रिद्धि सिद्धियों का आदेश दी, आज मेरे प्रियतम की जन्म तिथि में ऐसे दान दक्षिणा दी जाए, जब तक दुनिया रहे तब तक याद करते रहे मेरे प्रियतम की जन्म उत्सव में कैसे दान दी गई। इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, सबके सब गा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी। बोले वो कौन थी? बोले वो रोहिणी। बोले रोहिणी कौन है? बोले दाऊ भैया की मैया। बोले वो क्यों गुमसुम मार करके बैठी हुई थी? बोले वो थी प्रोषित भत्रिका। प्रोषित भत्रिका का मतलब होता है जिसका पति विदेश में और दुख में हो। बोले पति कौन? बोले वसुदेव। बोले कहाँ पर? बोले मथुरा में। बोले किस रूप में? बोले कंस के कारागार में। अगर किसका पति कारागार में पड़ा हुआ हो उसकी पत्नी भरीसभा में कभी नाचेगी? बताओ कभी नाच सकती है? नहीं नाच सकती है। इसलिए वो बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी, और विशेष करके जब बलदेव प्रभु 15 दिन पहले जन्म हुए हैं, लेकिन वो जब से जन्म हुए वो तब से आंख बंद करके जन्म हुए। उनकी इच्छा है सबसे पहले मैं अपना भैया कन्हा को देखूंगा, उसको बाद में फिर दुनिया को देखूंगा। वो आंख बंद करके जन्म हुए। इतने में श्री नंद बाबा ने देखा भैया यहाँ सबके सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन घर की सदस्य रोहिणी कहाँ है? जब उन्होंने ढूंढने के लिए गए देखा हो तो घर की कोने में चुपचाप बैठी हुई। बोले रोहिणी घर में तुम दोनों स्त्री हो, एक जसोदा और एक तुम हो। अभी यशोदा तो लाला को जन्म दी, अभी तो घर का काम नहीं देख सकती ना, तेरे को तो देखना पड़ेगा। हाँ हमें पता है तेरे पति जेल में बंद है, अरे कम से कम मेरे लाला को थोड़ा आशीर्वाद तो दे सकते हो। इतने में मैया रोहिणी दाऊ भैया को लेकर के आ गई, और जहाँ कृष्ण कन्हैया जहाँ लेट हुए थे उन्होंने दाऊ भैया को वहीं पर लेटा दी। जब लेटा दी ना, जब दाऊ भैया ने देखा अभी मैं कान्हा को सामने आ गया हूँ, इतने में बलदेव प्रभु आंख खोल दी, और आंख खोलते तो सामने श्री कन्हैया को देखी। अभी रोहिणी तो दुखी थी, क्यों? बच्चा जन्म से ही आंख बंद करके रखा, लेकिन जब देखा उन्होंने आंख खोल दी
फिर मैया रोहिणी को तो रहा नहीं गया, वो भी ठुमुक लगा कर वो भी नंद महोत्सव में नाचने लग गए। बोले श्री नंद के लाला की जय, श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। एक डालो, हाँ बधाई गा, एक बधाई सुन लो। जन्म लियो मैया के आंगन में लाला, जन्म लियो मैया के आंगन में लाला, जन्म लियो जन्म लियो मैया के आंगन में लाला, जन्म लियो जय जय कान्ति को तू आयो, जय जय कान्ति को तू आयो।
वसुदेव महाराज कृष्ण को रख करके जोग माया को लेकर के आए और प्रवेश करते ही इतने में बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दी। पहरादारों का नींद खुल गई। महाराज कंस को जाकर के बोले, महाराज कंस तेरे काल ने जन्म ले लिया है। कंस तो भागते भागते आया, देखा जाती देवकी ने बहुत प्रार्थना की लेकिन कंस ने बात नहीं सुनी। जब कंस ने बच्ची को पकड़ी, अभी
आकाश में उड़ गई, अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली, रे मूढ़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस ने देखा ये तो मेरी कुलदेवी, ये कभी झूठ नहीं बोल सकी है, फिर क्या मेरे साथ में देवता लोगों को बेईमान की है। देवजी के पास में बड़ी प्रार्थना की, बहन बिना कारण के कारण मैंने तेरे छह छह बच्चों को मार डाला, मेरे अपराध को माफ कर देना। लेकिन देवजी को पता है क्या है, बोले नजत्र श्रवणादिनि रक्षत नानि सुकर्मसु। जहाँ पर हरि कीर्तन हो, जिस घर में, ध्यान देकर सुनो, जिस घर में ठाकुर का कीर्तन हो, पूजा हो, ठाकुर जी का भजन पूजा पाठ हो, वो घर में कभी पाप प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए घर में अगर मांस मछली घुसाओगे, फिर अंडा प्याज लहसुन घुसाओगे, फिर तो पाप अपने आप घुसेगा, वो तो स्वयं पाप ही है, वो पाप तो अपने आप तुम घुसा रहे हो। इसलिए घर में कभी ये मांस मछली अंडा भंडा घर में नहीं बनानी चाहिए, वो पाप अपने आप घर में आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए सब गंदी चीजों घर में नहीं घुसानी चाहिए। कि क्या सुंदर रूप, क्या उसकी चाल, क्या उसकी मीठी मीठी मंद मुस्कुराहट, क्या उसकी श्रृंगार, ऐसे लग रहा था मानो गोकुल में कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं कमल बन से निकल करके भगवान को स्वागत करने के लिए माँ लक्ष्मी आई है। अभी जब उनने गोकुल में आई, जहाँ जाओ एक ही चर्चा है, बोले भैया नंद के लाला को देखो है, बड़ा प्यारो बड़े सुंदर है, देखने में तो कालो है लेकिन दुनिया को आलोक करने वाले। जहाँ जाए एक ही चर्चा, नंद के लाला नंद के लाला, सुनते सुनते कान पक गया है। इतने में कुछ गोपियां वो सबके सब कीर्तन करते हुए जा रही थी नंद भवन में, उनको साथ में हील मिलकर के सीधा पहुंच गई, नंद भवन में पहुंच गई। उसी समय में मैया जसोदा कन्या को पलने में झूला रही थी और मैया रोहिणी उनको लाड लड़ा रही थी, बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ तेरी तेरी पगड़ी रंग काला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला, तेरी तेरी पगड़ी हरे कृष्ण। इसलिए बड़ी सुंदर भजन गा रही थी, उनको झूला में झूला रही थी। पुतना जा करके बोली, मैया जसोदे इतने सुंदर लाला का थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। जब उसने गोद में उठाया, इतने में कृष्ण आंख बंद कर दिए। बोले कृष्ण क्यों आंख बंद किए, हमारे टीकाकार उसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए, बल्लभाचार्य तो 10 कारण बताए, आज हम 5 कारण सुनते हैं। ध्यान देकर सुनो, मैं सबको कल पूछूंगा कृष्ण क्यों आंख बंद किए, जो बोलेगा ना उसको मैं कल इनाम दूंगा। ध्यान देकर सुनो, इधर कल सबको एक एक कर पूछूंगा, इधर उधर पास में कोई बात मत किया करो। कृष्ण क्यों आंख बंद किए, इसका पहला कारण बताए। कृष्ण सोच रहे हैं, भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, लेकिन इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है, मैं जो परम ब्रह्म परात पर तत्व को ये गोद में उठा रहा है। इसलिए मानो ठाकुर जी आंख बंद करके उसका पूर्व जन्म को देख रहे थे। देखा सचमुच से भगवान जब बलि महाराज का दरबार में बामन बन करके आए, उनकी बेटी का नाम थी रत्नमाला। माताओं के तो स्वभाव है, अगर किसी सुंदर बच्चों को देखे ना, उनके मन में इच्छा करता है ये बच्चे को हम गोद में लेकर के लाड़ लड़ाए, माताओं की स्वभाव है। उनको बेटी ने सोची, अगर ऐसे एक लाला होता तो दिन भर में गोद में लेकर इसको मैं लाड़ लड़ाती। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। लेकिन जब ठाकुर जी तीन पग में सब कुछ ले लिए और उनको पिताजी को नागफास बंधन में बांध दिए, बोले ये तो बड़ा छोटा दिख रहा था लेकिन निकला खोटा, अगर तुम मेरे लाला बन करके आओगे तो दूध क्या पिलाऊंगा, मैं तेरे को जहर पिलाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, जहर भी पी लूंगा, बेटा भी बन जाऊंगा।
वही जो रत्न माला थी अभी ये पुतना बंद करके आई, इसलिए पहला कारण है क्यों आंख बंद किए। दूसरा कारण है ठाकुर जी आए क्यों जगत में, आने का क्या कारण है, बोले परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। इसलिए भगवान युग युग में आते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए। अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले ठाकुर पुतना को मारे, पहले पुतना को मारे ठाकुर जी। अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं अभी तो इसको मैं मारूंगा, लेकिन ये चूंकि माँ के रूप धारण करके आई है, अभी ये छटपटाएगी, अब इसका दुख कैसे मैं देखूं, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद कर दिए। ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है, बोले तू आई क्यों, बोले बच्चों को मारने के लिए, तुम्हें पता है गोकुल में इस बच्चे कौन है, बोले मेरे सखा सखियां सब के सब आई है, इनको मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए ठाकुर ने क्या किया, आंखों को बंद कर दिए। बच्चों का एक स्वभाव होता है, क्या स्वभाव है, घर के अगर कोई सदस्य हो तो उनको सामने तो बच्चे खेलते कूदते हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति को देखते तो डर जाते हैं, बोले ये दारी के कहाँ से आ गई, इसको कभी मैंने देखा ना कभी, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद कर दिए। कितना कारण हो गया, अब लोग कोई घिन नहीं रहे, चार हो गया, बोले तीन बोल गए। इसलिए पंचमा कारण बताए, अभी जब भगवान जहर पीने जा रहे थे तो स्तन में कालकुट जहर लेकर के आई, भगवान के गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है, विश्व ब्रह्मांड घबरा उठे, बोले प्रभु ये स्तन में केवल दूध नहीं केवल जहर ही जहर है, अगर आप जहर पान करोगे तो आपका गर्भ में विश्व ब्रह्मांड ये विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, इसलिए ठाकुर जी आप इसको स्तन को पान मत किया करो। इतने में कृष्ण आंख बंद करके श्री भोले बाबा को याद किए, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ, बोले क्यों, बोले क्यों किया, तेरा काम है बीस पीना और मेरा काम है दूध पीना, तुम बीस बीस को पी लो और मैं दूध दूध को पी लूंगा। इतने में ठाकुर जी को जब उन्होंने उनको मुंह में स्तन दिलाई, भगवान स्तन क्या पान करेंगे, भगवान ने उसकी प्राण को शोषण की, जो प्राण शोषण कर रहे थे देखा हाय रे इतने छोटा बच्चा ये तो मेरे प्राण को शोषण कर रहा है, उसने छुड़ाने के लिए कोशिश की। ठाकुर जी बोले देखो मैं सहज में पकड़ता है ही नहीं, अगर किसको एक बार पकड़ लू ना मेरे को तो छोड़ना कभी आता ही नहीं, इसलिए जब तक मैंने अपना धाम के नहीं पहुंचा देता हूँ तब तक तेरे को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, इसलिए अगर एक बार कोई ठाकुर को बोल देना ठाकुर जी मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, अगर सच दिल से अगर ठाकुर जी को बोलोगे भगवान कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने में पुतना सोच रही है अगर किसी तरह से मैं इसको गोकुल में लेकर के चला जाऊं ना मथुरा में लेकर के चला जाऊं, भैया कंस कुछ ना कुछ कंस कर सकता है। कृष्ण ने बोला कहाँ जा रहे हो, मेरे पास में आकर के मथुरा जाना चाहते हो, तेरे को मैं मथुरा जाने नहीं दूंगा। इतने में कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ चली, जब उड़ चली कंस का एक बगीचा थी सबसे सुंदर बगीचा, बड़ा सुंदर फल फूल से भरा पड़ा हुआ, लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ के कोई भी फल फूल कोई कृष्ण भक्तों को ब्रजवासियों को नहीं मिलने चाहिए, भगवान को नहीं मिलने चाहिए, ये सब के सब मेरे को और ये जितने मेरे अनुयायी ना जितने अघासुर बकासुरों को मिलने चाहिए। ठाकुर जी ने सोचा दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, मेरे और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा और ये सारे दुष्ट लोगों को मिलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। उन्होंने तो पुतना को उड़ा करके ले गए उसी बगीचा में ले गए और वो बगीचा में ऐसे धड़ांग करके गिराए, वहां पर बोले पुतना कितने बड़ी थी, बोले त्रिकव्युति, बोले त्रिकव्युति कितना, बोले 8 मील लंबाई चौड़ाई। संत लोग तो कभी कभी हंसी दिलक में कहते हैं जहां पर उसका मूड़ गिरा उसका नाम हो गया मूर्सान, जहां पर अलंकार गिरा वहां पर हो गया आलीगढ़, जहां पर उसका शरीर गिरा उसका नाम हो गया आगरा नाम हो गया, इसलिए इसलिए जहां पर उसकी हाथ गिरी हो गया हाथरस हो गया। इतने बड़ी ये पुतना थी सबके सब ने तसनस कर दिए। हरे कृष्णा सब ध्यान देकर सामने जो बैठो ना माता इधर उधर करना नहीं, चुपचाप मुंह में हाथ लगाकर बैठो। इसलिए देखो देखो 7 दिन तक तो कथा सुनोगे,
आज इतनी सी शिक्षा कथा से लेकर के जाओ, अगर इतनी सी शिक्षा कथा से लेकर के जाओगे ना, तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं रहेगा, घर में शांति सुख आ जाएगा। यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, यहाँ पर किसी ब्रजवासियों का कोई खेती कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन नुकसान किसका हुई, बोले कंस का, जो सुंदर बगीचा थी, फल फूल से जो लदे हुए थे, केवल वही खराब हुई, लेकिन ब्रजवासियों का कोई भी खेती खराब नष्ट हुई क्यों नहीं हुई? कारण की क्या, देखो हमारे टीकाकार लोग क्या कहते हैं, कहते हैं उपनिषद का ये श्लोक है, उपनिषद में बताए बल ईशावास्यंगमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्या जगत् तेना त्यक्तन भुंजिथा मादृधकस्सिधनम्। इसका मतलब है, सब माताएं ध्यान देकर सुना, इधर उधर मत, आज का दिन इतनी सी शिक्षा लेकर के जाओ कथा से, ठीक है ना? ऐसे नहीं यहाँ बैठे 7 दिन तक। देखो एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गया, देखा वहाँ 3 मूर्ति है। उसने पूछा, भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है? बोले पहला नंबर मूर्ति का कीमत है तो 100 रुपया, बोले दूसरा नंबर बोले 500, बोले तीसरा बोले 5000। बोले क्यों, ये तीनों तो मूर्ति देखने में बराबर है, तब इतना फर्क क्यों है? बोले 3 गिलास दूध लाओ, अभी मैं फर्क समझाता हूँ। जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कानों में डाला है ना, वो जिधर डाला उधर निकल कर कहा गया। बोले ये तो कथा सुनता है, लेकिन जो कथा सुनता है ना, इधर सुन करके उधर ही निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत है 100 रुपया। बोले दूसरा जो मूर्ति थी, उसको कान में दूध डाला तो इधर डाला तो सीधा इधर निकल कर चला गया। बोले इसका कीमत है 500 रुपया। बोले क्यों, बोले कथा तो सुनता है लेकिन इधर सुनकर इधर निकाल देता है। तीसरा नंबर मूर्ति में कान में दूध डाला तो एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, सब के सब अंदर में चला गया। बोले इसका कीमत, बोले 5000। बोले मतलब, बोले ये जो बात सुनता है वो पूरा के पूरा अंदर तक ले जाता है। इसलिए आप लोग ये बताओ, कितना रुपया की मूर्ति हो आप लोग, जोर से बोला। अगर 5000 की हो, फिर आज ये शिक्षा को घर में लेकर के जाओ। हमारे संत लोग क्या कहते इसी विषय पर, इसलिए ये उपनिषद कहता है, ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं, ये दुनिया को किसने बनाया? अरे बोलो, दुनिया को किसने बनाया? ठाकुर ने बनाया, ये ठाकुर का दुनिया है। फिर ठाकुर का दुनिया हो तो क्या करनी चाहिए? बोले जो कुछ खाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ, भोग लगा करके वो चीज को ग्रहण करोगे, ये उपनिषद कहता है, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर ठाकुर को बगैर भोग लगाए खा लिया, खुद चट कर लिया, ये गीता कहता है भुंजन्ते तु अघम पापा, तुमने रोटी चावल नहीं खा रहे हो, तुमने केवल पाप को भोजन कर रहे हो, केवल पाप भोजन करते हो, हैं? इसलिए ये मनु संहिता कहता है स्वान बिष्टा समचर्ण निरंच सूर्यासन, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, वो जो दाल चावल रोटी नहीं, कहते स्वान बिष्टा, स्वान मतलब तो कुत्ता, कहते दाल चावल रोटी नहीं खा रहे हो, तुम कुत्ते की बिष्टा खा रहे हो। बोले पानी नहीं पी रहे हो, तुम मूत्र पान कर रहे हो, पेशाब पान कर रहे हो, ये मनु संहिता मनु महाराज कहते हैं। इसलिए जो कुछ घर में खाना खाओ, अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाए तो बोले यज्ञ शिष्टा सिन संत मुच्यंत सर्व के लिए सही, सारे पाप से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अगर भगवान की भोग लगाए नहीं खाओगे, आप लोगों ने सुदामा जी का नाम सुने हो, कौन कौन सुदामा जी का नाम जानते हो, हाथ उठाओ तो। हाँ देखो, ये पहले ये गरीब क्यों बना, फिर ये बाद में धनी क्यों बना, इतनी चीज को समझो। बोले आप लोगों ने टीवी में देखे होंगे, जिस समय कृष्ण सुदामा जंगल में गए थे, उनको गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा ये कृष्ण को दे करके खाइयो। लेकिन सुदामा जी ने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ करके बारिश हो रहा था और उसने छुपा छुपा करके चाना को खाया, खाया कि नहीं? कृष्ण ने कहा तो मेरे हिस्से के खा रहे हो, इसका फल भोगना पड़ेगा। और इतनी गरीबी उसने उठाई, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे भूखे मर रहे, क्यों? क्यों ठाकुर को बिना दिए खाया उसने, इसलिए गरीब बना। लेकिन ये धनी कम बना,
फिर जब उनकी पत्नी को पता चला इनका बचपन का जो दोस्त है वो द्वारकाधीश भगवान है, बोले देखो एक बार कृष्ण के पास में जाओ, आपकी दरिद्रता को देख करके ठाकुर जी दया करेंगे। बोले नहीं, ठाकुर को मांगने के लिए नहीं जा सकता हूँ। बोले ठाकुर को दर्शन के लिए तो जा सकते, बोले हाँ जा सकता हूँ। बोले देखो सुशीला, खाली हाथ में ठाकुर के पास में नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जानी चाहिए। दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गया, लेकिन ठाकुर तो घटघटवासी सब जानते हैं, लेकिन ठाकुर की राज वैभव को देख करके बोले भैया सूखा चिड़े कैसे ठाकुर का दूं, ठाकुर का पेट खराब हो जाएगा। लेकिन भक्तों का वस्तु भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। बोले भाभी ने कुछ दिया नहीं, बोले नहीं। बोले ये बगल में क्या दबा करके रखे हो, बोले नहीं कुछ नहीं। बोले लगता है कुछ है। ठाकुर जी जोर जबरदस्त छीने और खोल करके एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, ठाकुर जी जब तीन मुट्ठी खाने जा रहे थे इतने में सुशीला ने हाथ पकड़ ली, बोले प्रभु और मत खाया करो। अपने दो मुट्ठी खा लिया, उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी उसकी घर में दासी बन जाओगी, प्रभु और मत खाया करो। जब सुदामा घर में आया, उसका जो छोटी सी घर था ना, नहीं वहां पर राज महल खड़ा हुआ, अपना पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी ऊपर से उतर करके आई इनको आरती करने के लिए, ये पीछे पीछे हट रहा था। बोली ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रहा है। सुशीला बोली मेरे को पहचान नहीं रहे। बोले तू है कौन। बोले आपका मैं वही सुशीला। बोली ये सब क्या है। बोले ठाकुर जी के लिए चिड़वा लग गए थे ना, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए तो रातारात सारे ऐश्वर्य दे दिया, सारे ऐश्वर्य दे दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी आए, घर में लक्ष्मी की कृपा हो, क्या करो ठाकुर को दे करके खाओ। अगर बिना दिए खाओगे ना, फिर तो लक्ष्मी तुम्हारी घर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये चीज को समझो अच्छे तरह से, दिमाग में इतना चीज बैठा करके जाओ। ये जो लक्ष्मी है अच्छे तरह समझो, जो लक्ष्मी पैसा को लक्ष्मी कहती है, ये लक्ष्मी तुम्हारी ना लक्ष्मी नारायण की, बताओ बोलो, ये लक्ष्मी तुम्हारी ना लक्ष्मी नारायण की। ये लक्ष्मी को तुम भोग कर सकते हो, अगर तुम लक्ष्मी को भोग कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, उसको केवल नारायण ही भोग कर सकते हैं। जो चीज हम खरीदी करते हैं वो पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा माँ लक्ष्मी है, पैसा माँ लक्ष्मी। अगर वो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगती है, फिर तो ये लक्ष्मी तुम्हारी पर खुश होगी। अगर लक्ष्मी को तुम अगर खुद भोग करना चाहोगे, ठाकुर को भोग नहीं लगा, अगर खुद खाना चाहोगे, मतलब तुम लक्ष्मी को भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी को भोग नहीं कर सकते हो। अगर भले ही तुम्हारे घर में बहुत पैसा आ गई, लेकिन वो ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है, ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है लक्ष्मी। भले ही तुम्हारे घर में करोड़ रुपया आ जाएगी ना, देखना घर में शांति सुख नहीं रहेगी, बहू बहू में लड़ाई हो जाएगी, भाई भाई में लड़ाई, नहीं तो मामला मकदमा लग जाएगी, नहीं तो कोई इतनी कठिन बीमारी घर में दे देगी, पूरा के पूरा पैसा उधर निकल जाएगी, नहीं तो कोर्ट कचहरी लगा देगी लक्ष्मी। क्यों, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी की लक्ष्मी है। ठीक है ना। क्या करना घर में, जो कुछ खाना बनती है उसको बगैर प्याज लहसुन के बनाओ। कैसे बनाओगे बोलो, कैसे बनाओगे, बगैर प्याज लहसुन के बनाओ। अगर प्याज लहसुन भोग नहीं लगा सकते हो प्याज लहसुन को, क्योंकि जो प्याज लहसुन है इसको पुराण में एक कथा आती है। आप लोग कोई नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन नवरात्रि रखते हो। आप लोग को नौ दिन तो कोई प्याज लहसुन खाते हो, नहीं खाते हो ना, क्यों नहीं खाते हो, माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो क्या। नौ दिन तक मैया को केवल खुश नहीं, नौ दिन तक रखो, नौ दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा, नौ दिन तक दुर्गा फिर उसके बाद मुर्गा शुरू कर दो, नहीं। जो चीज माता जी को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए। देखो ये मैया को क्यों ये प्याज लहसुन पसंद नहीं, इसकी कथा सुन लो। पहले पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन ये गैया गो माता है, इसलिए माँ को ये कोई मारने नहीं देते थे। गैया माँ है, माँ को मारने नहीं देते थे।
अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती, ध्यान देकर सुना सबके सब, घर में जाकर के सास बहू को सुनाना जो आई नहीं। जब कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी, वो गैया को मरने नहीं देते, क्यों? गो माता है। फिर यज्ञ करके वो गैया को उसमें आहुति डालते थे, बलि देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र शक्ति होती थी, जब दो बार मंत्र पढ़ते थे वो बूढ़ी गैया फिर जवानी बन जाती थी। एक समय किसी आश्रम में गैया बूढ़ी बन गई, यज्ञ की अनुष्ठान की, अनुष्ठान करके सारे ऋषियों को बुलाए और जो वहां पर बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस दे दिया आहुति देने के लिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, किसने ये प्याज लहसुन को देख करके खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने खाए कैसे, अभी उसको मैं छुपा देता हूँ, उसमें राखों में छुपा दी, सबके सब आहुति डाले यज्ञ में। जब दो बार ऋषि ने मंत्र पढ़ा, वो एकदम गैया जवानी बन करके गैया प्रकट हुई। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपा दिया था, देखा वहां पर इतना घाव, बड़ा घाव बना हुआ है। ऋषि ने देखा इसका पूरा शरीर तो भरा पड़ा हुआ और इतना बड़ा घाव क्यों बना हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान से देखा किसने मांस खाने का लोभ से उसको छुपाया है। ऋषि ने अभिशाप दिया, जहां पर ये मांस को काट दिया वहीं पर मांस जैसे लाल लाल रंग का वहां पर प्याज की पौधा होगी, और मांस सड़ जाने पर जैसे बदबू निकलती है, ये मांस भी वैसे बदबू निकलेगा। अब देखो कच्चा प्याज खाओ, देखना सामने अब बैठ नहीं सकते हो, मुंह से इतने बदबू निकलेगा। अगर यहाँ प्याज काटेगा ना, देखना ये दूर तक इसका बदबू बड़े दूर तक जाती है। घर में छोंक दो प्याज तो देखना घर में बदबू बदबू, घर में बदबू बदबू फैल जाती। बोले क्यों? उसका जो सृष्टि है वो गंदी चीज से सृष्टि हुई। जहाँ पर हड्डी को काट दिया था वहीं पर लहसुन की पौधा हुई, और जहाँ पर खून का बूंद गिर पड़ा था वहां पर मसूर डाल हुआ। आप लोग देखना, तुम्हारे परिवार में भी देख लेना, एक दो पीढ़ी पहले ये तीन चीज को कोई घर में नहीं घुसाते थे, कोई घर में नहीं घुसाते थे, क्योंकि इसको अपवित्र मानते थे। इसलिए कोई भी 9 दिन तक ये प्याज लहसुन कोई नहीं खाते हैं, कोई नहीं खाते। आपका घर में देख लेना, 2-3 पीढ़ी पहले आप पूछो, तुम्हारी घर में भी ये चीज नहीं आती होगी। अभी प्रश्न है फिर हमारे घर में आया कहां से, हमारे घर में ये प्याज लहसुन हिंदू घर में कैसे आ गया। पहले तो हर घर में ठाकुर का पूजा पाठ होता था, ठाकुर जी को भोग लगती थी, फिर ये प्याज लहसुन कहाँ से आई। बोले ये चीज मुगल लोगों ने लाए, मुसलमान लोगों ने ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन पहले कोई हिंदू नहीं खाते थे। ब्रज में तो ऐसे नियम था, ब्रज मंडल में 84 क्रोश में वहां पर प्याज लहसुन अंदर में आना निषेध वर्जित था, पूरा 84 क्रोश में उसको घुसता नहीं था प्याज लहसुन। इसलिए ये इसका जो सृष्टि है गंदी चीज से। दूसरी कथा है भागवत में, जिस समय भगवान मोहिनी अवतार लेकर के अमृत दे रहे थे चंद्र सूर्य को, बीच में एक स्वर भानु नाम का दैत्य छुप करके अमृत को पी लिया। चंद्र सूर्य ने इशारा किया, प्रभु ये राक्षस है, धोखे से अमृत पिया। ठाकुर जी सुदर्शन चक्र बुलाया और उसको गला काट दिया। जब गला काट दिया, जहां पर उसका मांस गिरा वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई, जहां पर हड्डी गिरा वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून का बूंद गिरी वहीं पर मसूर डाल हुई। इसलिए ये एक तरह का राक्षस का ये मांस है। और देखना ठाकुर जी को भोग लगता है, बोलो हमारे कान्हा को भोग लगता है, भगवान राम को भोग लगता है, हनुमान जी को शंकर जी को भोग लगती है, किसी को भी ये चीज भोग लगता है? कभी किसी मंदिर में देखा लगता है? कहीं कहीं नहीं लगती। बोले क्यों? बोले इसका जो सृष्टि है वो गंदी चीज से इसकी सृष्टि हुई। हम लोग कोशिश करना ये चीज को धीरे धीरे छोड़ देने के लिए, ये चीज को धीरे धीरे छोड़ देने के लिए कोशिश करना, शुद्ध रूप में बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब देना घर में सबको भगवान का प्रसाद दो। देखो ये गीता का श्लोक है, भगवान क्या कहते हैं, बोले प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यः उपजायते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो घर में मेरे को भोग लगा करके खाते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां, उसका घर का सब दुख दूर हो जाता है। भगवान खुद कहते हैं, अगर प्याज ये तामसिक आहार है, हम कहते हैं ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन,
जैसे अन्न खाओगे तुम्हारी मन भी वैसे बनेगी। इसलिए अगर ठाकुर का भोग लाकर खाओगे देखना मन पवित्र होगा, मन में शांति सुख रहेगी, घर में आनंद मंगल रहेगा। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए क्या करना, घर में सबके सब ठाकुर जी को भोग ला कर खाइयो। कौन कौन भोग लगाते हो, कौन कौन भोग लगाते हो, हाथ उठा जोर से हाथ उठा। कोई बात केवल इतना ही व्यक्ति भोग लगाते हैं भगवान। देखो फिर कोई कोई भक्ति कहते हैं नहीं हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं। बोले कैसे भोग लगाते हो, बोले अपना खुद तो प्याज लहसुन डाल लूंग खाते हैं और ठाकुर जी के सामने थोड़ी सी दूध नहीं तो थोड़ी सी बतासा भोग लगा देते हैं। देखो हमारी बड़े गुरु जी कहते थे, अच्छे तरह से सुनो, जैसे तुम्हारी घर में कोई एक मालिक है, जैसे तुम्हारी घर में कोई एक नौकर है, आप घर का मालिक, तुम्हारे घर में कोई नौकर, और नौकर क्या करता है, वो बढ़िया बढ़िया खाना बना बना कर खुद खाता है और मालिक को जैसे तैसे बना करके मालिक को सामने कर देता है और खुद चकाचक भोजन बना बना कर खाते हैं। अगर मालिक को ये बात पता चले घर का मेरे नौकर ये तो बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खुद खाता है और मेरे को जैसे तैसे बना करके मेरे सामने धर देता है, हम लोग ये बताओ हम लोग फिर मालिक वो नौकर को प्रति क्या करेगा, बता आप लोग बता मालिक क्या करेगा, जोर से बोलो, आप बताओ घर का मालिक कौन है, ठाकुर जी घर का मालिक ना हम घर के मालिक है, ठाकुर जी घर की मालिक है। उसको तो दे से बतासा नहीं तो थोड़ा दूध दे दिया और खुद चकाचक प्याज लहसुन डाल डोल करके ए शाही पनीर मटर पनीर, ठाकुर को क्या ठाकुर जी देख नहीं रहे, ठाकुर देख रहे कि आंख है कि नहीं, वो देख नहीं रहे कि भैया धक्का मार कर फिर घर से तुमको निकाल देगा, बोले मेरे घर में रह रहे हो मैं सब कुछ देने वाला मैं हूँ और मेरे को तो जैसे तैसे बना कर खिलाते हो और चकाचक भोजन करते हो, नहीं घर में कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, पाप है, है? इसलिए कोशिश करो जितना दूर हो सके प्याज लहसुन को त्याग दे करके शुद्ध रूप में खाना बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ और शांति सुख में रहो। इसलिए जिस समय पुतना ने सारे बाग को उजाड़ दिए, सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, कृष्ण को गोद से वहां से उतारे, जब उसका शरीर में आग लगाए, चंदन अगुर कर्पूर की खुशबू निकली, क्यों, भगवान चुके उसकी स्तन को पान किए थे। इसलिए भगवान सर्वप्रथम पुतना को मारे, बोले पुतना को क्यों मारे, कारण है इसका एक अर्थ होता है पूत मतलब पवित्र और ना मतलब ना, नहीं जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं अगर मुझे तुम अपना हृदय में बैठाना चाहते हो क्या करोगे, सबसे पहले अपना हृदय से कि अपवित्रता को पाप को हृदय से पहले निकालो। इसलिए पहले सबसे पहले ठाकुर जी पुतना को मारे। नंद बाबा गए थे मथुरा में कर देने के लिए, जब उन्हें वापस आए पता चला ये पुतना आ गई थी। नंद बाबा देखो खबरदार घर में एरे गेरे व्यक्तियों को घुसने मत दिया करना, बड़े कड़ी पहरादार लगा दी। इतने में श्री शंकर जी को जब पता चला ठाकुर जी गोकुल में नंद के लाला बन करके आए हैं, भोले बाबा बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए ठाकुर को दर्शन करने के लिए पधारे। शंकर जी को कहते हैं सत्यम शिवम, बोलो जोर से सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन इस शंकर जी को तो सुंदर कहते हैं लेकिन उनका जो ऊपर का जो ड्रेस है ना बड़े असुंदर है। देखना शंकर जी शरीर में कोई स्नो पाउडर क्रीम नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जोर से बोला, कहाँ की बहुती, शमशान की बहुती, क्यों, क्या उनको कोई स्नो पाउडर क्रीम मिला नहीं। इसलिए जो शंकर जी ये जगत गुरु है, ये वैष्णव नाम जथा संभो, ये भगवान की भक्त में ये सर्वश्रेष्ठ श्री भोले बाबा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी,
शंकर जी के बराबर भगवान राम के कौन भक्त बन सकता है। इसलिए कहते रुद्र देहत जी नेह वास बानर भाई हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये शरीर से मैं प्रभु का सेवा कर ही नहीं सकता हूँ, शंकर जी ये हनुमान बन करके प्रभु राम के चरण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी ये जगत गुरु श्री भोले बाबा है, दुनिया को शिक्षा देते हैं। देखो जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में ले जाते हो, बढ़िया बढ़िया साबुन क्रीम और बढ़िया सुंदर तुम सजाते हो, जानते हो शरीर का परिणाम क्या? दो मुठी राख और कुछ नहीं। इसलिए शंकर जी अक्सर करके शमशान को पास में रहते हैं बैठ करके, और वहाँ के बभूति को लेकर के शरीर में लगाते हैं और देखते रहते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है ना, उसको कंधे पर ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य 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 करते कर ले जाते हैं, हैं? और उसको वहीं पर जलाते हैं। इसलिए उसको थोड़ी समय के लिए हृदय में वैराग्य आता है। बोले भैया संसार में कोई कुछ नहीं, सब संसार झूठा है। देखो क्या लेकर गया, कुछ एक सुई धागा भी लेकर नहीं गया। शंकर जी देखते रहते हैं, हैं? और लोग तब तक कहते हैं राम नाम सत्य गोपाल नाम सत्य जब कंधे में गंधे पर धारण करते हैं, जो उतार देते हैं ना फिर से भूल जाते हैं। इसलिए शंकर जी सब देखते रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। इसलिए शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम को ही जप करते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे एक बार जोर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए शंकर जी शरीर में अलंकार क्या धारण करते हैं? सर्प है, गले में सर्प, हाथों में कमर में सर्प। ये सांप कौन है? ये अनंत देव है। ये अनंत देव कौन है? बोले ये शंकर जी के गुरु है, दुनिया को शिक्षा देते हैं। अगर तुम जीवन में अलंकार कुछ धारण करना चाहते हो, गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो, तुम्हारी बड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है? धतुरे और आकंद। क्यों? उनका क्या बेली चमेली जुई मिली नहीं? बोले नहीं, ये जितने अच्छे फूल मेरे प्रभु कांके बिहारी प्रभु राम के लिए, मैं तो उनका सेवक है, अपने आप जो जंगल में होता है उसको मैं धारण कर लूंगा। इसलिए शंकर जी का जो बेस है वो हर चीज शिक्षा पूर्ण है। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव, इसलिए रहते कहाँ पर? हिमालय पर्वत में शंकर जी रहते हैं, कैलाश में बर्फ के पास में रहते हैं।
शंकर जी संत हैं, इसलिए देखना हर समय शंकर जी ध्यान में बैठे हुए होते हैं। वो अपने आप को छुपाना शंकर जी चाहते हैं, लेकिन वो छुपा नहीं सके। कारण है, शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु है। बताओ तो शंकर जी को पास में कौन सा पवित्र वस्तु? शंकर जी के पास में कौन बोलेगा? जोर से बोलो। पार्वती बोलो। कौन बोलेगा? पीछे पीछे से बोलो। शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु कौन है? इनको जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा है। बोले श्री गंगा देवी की जय। इसलिए शंकर जी जब बड़े सुंदर लड़झट श्रृंगार करते हुए आए, दरबार पर थी एक गोपी, इतने में भोले बाबा बोले, बोले मैंने सुना है नंद के जो लाला भयो है। शंकर जी ने देखा, ठाकुर का सारे अवतार तो देखा है, लेकिन वो कहां परात पर परम ब्रह्म होते हुए भी ठाकुर जी का जो भूख लगता है ठाकुर जी रोते हैं। मैया को पता चलता है लाला को भूख लगा, मैया फिर दूध पिलाती है। जब मच्छर काटता है कृष्ण रोते हैं। इसलिए विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया, उसको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है। इसलिए शंकर जी ने देखा, ये लीला तो हमने कभी देखो ही ना। भोले बाबा जब आए, बोले मैंने सुना नंद के एक लाला भयो है। वो सेविका बोली, लाला भयो तो तेरे का भयो है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आई थी, वो तो देखने में बड़ी सुंदरी थी, लेकिन निकली राक्षसी, और तू तो देखने में बेच लग रहे हो। तेरे को दीख करके तो मेरा जी घबरा रहा है। हैं, हमारे लाला को ऊपर तुम्हें बड़े जल्दी नजर लग जाती है, लाला का दर्शन नहीं होगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो मांगना लो, अपना रास्ता लिखो। इतने में जा करके मैया जसोदा को बोल दी, एक बाबा कहीं से आए, वो कहते लाला को दर्शन करा दो। मैया तो देख कर डर गई, बोले बाबा कहा बात है? बोले मैया लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा मेरे लाला के ऊपर बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, लाला का दर्शन नहीं होगा। जो भिक्षा लेना चाहते लो और जाओ। शंकर तो बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना, त्रिशूल गाड़ कर मैं बैठ जाता हूँ। तो बैठ जा, क्या हो गया? यहाँ पर हमारे चार दरवाजा है और तीन दरवाजा मैं निकाल लूंगा लाला को। बोले तीनों दरवाजा में बैठ जाऊंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा है। बोले मैं 11 स्वरूप 11 रुद्र है। बोले 11 दरवाजे में मैं बैठ जाऊंगा, जब लाला निकलेगा ना दर्शन करके तब जाऊंगा। इतने में शंकर तो त्रिशूल गाड़ करके वहीं बैठ गए और कन्हैया को तो कोने में छुपा दी। शंकर जी बोले प्रभु आपके सारे लीला मैंने दर्शन की, लेकिन ये बाल गोपाल स्वरूप को मैंने दर्शन नहीं किया, बड़े दूर से आया। ठाकुर जी एक झलक दर्शन दे दो। ठाकुर तो भक्तवत्सल है। इतने में कृष्ण रोना प्रारंभ की। मैया जितने थपथप लगाए उतना जोर जोर से रोए, पूरा परिवार दंग रह गई। बोले लाला का जो किया हो गया, रोना क्यों नहीं बंद हो रहा है? एक गोपी ने कहा मैया जो बाबा आया ना वहीं पर बैठा हुआ त्रिशूल गाड़ करके आंख बंद करके, लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना करना है। वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराएगा तो जाऊंगा नहीं। इतने में मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल बूंद लगा दी, बड़ी कष्ट से ले करके आई। बोले बाबा ले दर्शन कर, तू बड़ा अक्खड़ हो। लेकिन जब एक झलक दर्शन कराए ना, कृष्ण जो रो रहे बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय राधा रमण हरि बो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अभी कृष्ण जो रो रहे थे खिलखिला करके हंसने लग गए। शंकर जी तो हंस रहे थे, शंकर जी रोना प्रारंभ कर दी। मैया तो समझ गई ये बाबा कुछ जानता है। लाला का रोना, राधा का रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ हाथ देखना जानते जादू टोना, सारे माताएं फिर घिर जाती। बोले बाबा मेरे हाथ देख ले, बताओ तो क्या होने वाला है। अभी सब माताएं गोपियां घिर गई। बोले बाबा तेरे कुछ तुना पता है कि नहीं? बोले और क्या? बोले बताओ मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, क्या करनी चाहिए? बोले अगर एक काम करोगे ना कभी नजर नहीं लगेगा। देखो ये चीज को ध्यान देकर सुनो। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले जब जब तुम्हारी लाला को स्नान कराओगे, उसका जो पानी ठाकुर का चरणामृत है, तुम ला करके मेरे सर पर डाल देना। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो कावरिया होते हैं,
कंधे पर गंगा पानी लेकर जाते हैं, क्यों? शंकर जी के सर में डालने पर शंकर खुश होते हैं। वो गंगा पानी कौन है? बामन देव का चरणामृत है। ये कृष्ण कौन है? बामन देव का जो मूल है। इसलिए शंकर जी के सबसे प्यारा वस्तु है ठाकुर जी की चरणामृत है। बोले और कुछ काम करना पड़ेगा? बोले और ये काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले लाला का जब कोई भोग लगाओगे वो जो पतल में बच जाएगा उसको मेरे को ला कर दे देना, क्योंकि जो कोई चीज ठाकुर जी ग्रहण करते हैं उसका नाम प्रसाद होता है। वही प्रसाद जब किसी भगवान की भक्तों को भोग लग जाए वो प्रसाद नहीं, वो महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी का जो प्रसाद है ना, प्रसाद नहीं, उसका नाम महाप्रसाद है। बोले क्यों? पहले तो ठाकुर जी को भोग लगता है, फिर वो ठाकुर जी का प्रसाद, फिर माँ देवी को फिर आकर के भोग लगती है। देवी कौन? बोले वैष्णवी। शंकर जी कौन? बोले वैष्णव। जब इनकी सेवा में लग जाए भगवान के प्रसाद, उसका और भी ज्यादा महत्व लग जाती है। देखो एक चीज सीख करके जाओ, ये चीज सीख कर, कभी कभी हम क्या करते हैं, लड्डू ले जाते हैं और हम हनुमान का मुंह में ठोसते हैं, खाओ हनुमान जी। क्या हनुमान जी भूखे तेरे लड्डू खा लेंगे? एक मण क्या 100 मण भी भोग लगाओगे ना, हनुमान खाने वाले नहीं। बोले जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? बोलो भगवान की चरण में बैठे हुए होते हैं। जब तक भगवान राम कोई चीज को ग्रहण नहीं करे और मैया जानकी ग्रहण नहीं करे, अगर 100 मण भी लड्डू भोग लगाओगे ना, हनुमान देखेगा भी नहीं उस तरफ में। लेकिन जब राम सीता को भोग लग जाए ना, फिर देने का जरूरत नहीं, हनुमान जी लपक कर खा लेंगे, हनुमान जी लपक कर खा लेंगे। उसी तरह जो शंकर जी और पार्वती, जगत में जितने 33 करोड़ देवता हैं, ये सब के सब ठाकुर जी के प्रसाद के लिए तरसते हैं। इसलिए कोई भी चीज हो, शंकर को भी नहीं, मैया को भी नहीं, गणेश को भी नहीं, हनुमान जी को भोग नहीं लगाना। सबसे पहले भगवान कृष्ण हो, राम हो, सबसे पहले उनको भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को तुम लेकर के फिर सारे देवादेवी को दो प्रसाद, सारे देवादेवी खुश होकर खाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद खाएंगे। इसलिए यहाँ पर श्री शंकर जी की है। अभी भी नंदगाम जाओगे वहां पर नंदीश्वर महादेव है। नंदगाम गए हो? कौन 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 नंदगाम गए हो? देखना वहां पर श्री नंदीश्वर महादेव है। वो 5,500 साल की कथा है। जब ठाकुर जी को स्नान होता है वो सीधा चरणामृत श्री भोले बाबा के पास में आएगा, शंकर जी को देंगे। ठाकुर जी को जो कुछ भोग लगेगा वो सीधा प्लेट आएगा शंकर जी के मंदिर में। शंकर जी पाएंगे ठाकुर का प्रसाद, फिर तो वो प्रसाद फिर दुनिया को खिलाते हैं। इसलिए पहले ठाकुर को दे करके सारे देवा देवियों को प्रसाद दो, खाकर खुश होएंगे और तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गालो क्लब कॉल के बजे का गाना था। जय जय श्री राधे। प्रेमचंद प्रभु आप इधर आ जाओ, बलराम प्रभु, जनार्दन महाराज सब इधर आ जाओ, सबके साथ आगे थोड़ा सा उधर से एक दो भक्त लोग आगे आए हैं जैन थोड़ा सा। जय जय श्री राधे राधे राधे। भगवान भक्त बक्सर हैं और ये गुजरिया आ रही है पीछे से, पीछे गुजरिया आ गई है महाराज, बहुत दूर से आई है गुजरिया, इधर ही आ गया। अभी ऊपर जाने की जरूरत ना है, मैं ही नीचे आ रहा हूं। भाव के भूखे प्रभु वही बस सार है, भाव से हरि को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। त्याग देते हैं हरि
भगवान को जाते हैं हरी एक पुष्प पर एक पान पर रीझ जाते हैं हरी एक पुष्प पर एक पान पर। भगवान भक्त वत्सल है। एक गोपी, कुछ गोपियां शादीशुदा भी थी, वो अपने सास नंद के डर की वजह से श्याम होते ही वो अपने घर चली आती थी। तो वो कन्हैया को निमंत्रण देकर के गई, भगवान भक्त वत्सल है तो क्यों नहीं वह गोपी के घर जाएंगे, और कहा कह रहे हैं अरे गुजरिया तू रोज रोज मेरे चिंतन करो करती, आज मैं आए गो बता कहा देर है बोलना के बढ़िया। जय जय श्री। एक बार भक्त वत्सल का जयकारा हो जाए, पीछे वाले जितने भी भक्त खड़े हैं बैठे हैं मैं निवेदन करूंगा, ये ब्रज का रसिया है, बड़े महाराज जी भी इन रसियाओं को बहुत सुनते थे, और ऐसे ही हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी भी रस लेते हैं रसियाओं का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। आइए आनंद लेते हैं। गुजरिया खोल किवरिया, गुजरिया खोल किवरिया, तेरे घर में आओ। गुजरिया खोल किवरिया, तेरे घर में आओ। गुजरिया खोल किवरिया, तेरे घर में आओ। गुजरिया खोल किवरिया, तू या ब्रज की थोड़ी नारी और मैं या ब्रज को प्रेम पुजारी। लगा ले प्रीत गुजरिया, लगा ले प्रीत गुजरिया, गुजरिया
अरे गुजरिया, जब मैं ना आया तो चिंतन कहा करती, अब मैं आ जाए तो थोड़ा घूंघट तो खोल मुस्कुरा दे गुजरिया, और गुजरिया मेरे गले में आ जाए और लगाए दे तिलक गुजरिया। एक बार भक्त के जयकार बोलेंगे, बोलो भक्त भगवान की जय। लगे गुजरिया जोर से गिरिराज की जयकार देगा ना, उसको उतना ही जय जयकार होगा, उतना ही पाप खत्म होगी, और गिरिराज जी सब इच्छाओं को पूरी करने वाले। एक बार जयकार जोर से बोलो, बोले गिरिराज महाराज की जय, बोले गिरिराज गोवर्धन की जय। देखो आज श्री गिरिराज गोवर्धन की आज हम पूजा की कथा सुनेंगे। एक मन मंदिर आज देखो, हम सभी के लिए आज कढ़ी चावल की व्यवस्था है। गिरिराज सेवा में कहते श्री रुक्मणी माता जी खोड़ा से। कौन है रुक्मणी माता जी, हाथ उठाओ। रुक्मणी माता जी कौन? हाँ, आज ये माता जी ने गिरिराज की सेवा के लिए और आप सभी के लिए कढ़ी चावल की व्यवस्था की। अब निकले जोरदार ताली बजाओ जोर से। भगवान कृष्णा बताए, जो गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना भोग लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी घर में उसकी भरपूर रहेगी। इसलिए ठाकुर जी इनको इनके परिवार को शांति और सुख दे, खूब इनकी भक्ति दे और इनको खूब शक्ति दे। इसलिए आज हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे। हाँ देखो, जब तक कथा विश्राम नहीं हो जाएगी ना, वहाँ पर कोई कढ़ी चावल बांटना नहीं। जब आरती हो जाएगी, आरती के बाद में धीरे 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 प्रसाद लेकर के जाना। और आज आप लोगों घर से भी पुजारी प्रभु जी, दोनों पुजारी ये सब खोल करके इसमें सब तुलसी बता दो और ठाकुर जी को भोग लगा, दोनों मिलकर के काम करो। और जितना प्रसाद आए हैं वो सबके सब वहाँ पर पहुँचा देना, सबको ये गिरिराज की प्रसाद सबको मिलनी चाहिए। ठीक है,
इसलिए कल श्री राधा रानी जन्म ग्रहण करेगी, क्योंकि कल है हमारी संप्रदाय में श्री नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण लीला में श्री दाऊ भैया थे, श्री बलदेव प्रभु थे, जो बलदेव प्रभु थे वो महाप्रभु की लीला में श्री नित्यानंद प्रभु बन करके आए। सर्वत्र ये हरि भक्ति की उन्होंने प्रचार किया। कल उनका जन्म तिथि है होने का नाते ये स्वयं श्री दाऊ भैया इनका तिथि में जैसे हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं वैसे हम लोग एकादशी व्रत जैसे रखते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने हमारे गुरु भाई बहनी हैं हम लोग अपना 12 सेक्टर में हम लोग वहाँ पर 9 बजे वहाँ पर कीर्तन कथा करेंगे नित्यानंद प्रभु की। बड़ी सुंदर सुंदर नित्यानंद प्रभु कौन है, जगत में क्यों आए, जगत को उन्होंने क्या दिया है, हाँ उनका क्या तत्व है, इसी विषय पर हमारे जो 12 सेक्टर में जहाँ मंदिर है आप लोग 9 बजे वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर कीर्तन कथा उनके अभिषेक होगी। और एकादशी का जैसे व्रत होता है ऐसे ही हम लोग 12 बजे के बाद में अभिषेक करके उनकी चरणामृत लेकर के फिर हम एकादशी का प्रसाद जैसे लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे गुरु भाई बहन आप लोग सबके सब मंदिर में आना, अगर और कोई आना चाहते हो आप लोग आ सकते हो। कल कथा में श्री राधा रानी जन्म ग्रहण करेगी। राधा जी का जन्म तो आज हम कराया करते थे लेकिन कल एक व्रत था इसलिए आज हम लोग ने गिरिराज की पूजा आज करवाए, इसलिए कल राधा रानी जन्म लेगी। सबके सब माताएं सुंदर सज धज करके, राधा रानी कौन है, ये मूल लक्ष्मी श्री राधा ठाकुरानी। कल सबके सब पीले पीले रंग के साड़ी और चुंदरी जो कुछ पहनोगे पीले रंग के, नहीं पीले रंग के नहीं गुलाबी रंग के पहनना, कौन सा रंग के गुलाबी रंग के पहन करके आना। कल हम लोग श्री राधा रानी की जन्मोत्सव मनाएंगे। और जो परसों है कृष्ण रुक्मिणी की विवाह सुदामा चरित्र भगवान की रासलीला और लास्ट में होली खेलेंगे, ठीक है लास्ट में। इसलिए मनमोहन हमारे बीच में एक छोटा बच्चा है वो थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, इसको बाद में फिर हम गिरिराज की कथा सुनेंगे फिर गिरिराज की प्रसाद लेकर सबके सब जाना। देखो जब तक आरती खत्म नहीं हो जाए तब तक जाना नहीं कोई घर में, आरती के बाद में फिर प्रसाद मिलेगा, ठीक है। बोलो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तशिलश्रीधर्गोस्वामीति नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवसाद श्रीगौर भक्तवृन्द। सभी मेरे साथ एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनिरुद्ध है आगे आ जा, मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद और तुम भी आ जाओ। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्श त्रिंडी स्वामी वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में आनंद कोटि अनंत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि अनंत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य अनंत प्रणाम अर्पण करता हूँ। गुरुदेव ने आदेश दिया है कुछ हरी कथा सुनाने के लिए। कथा सुनाने की मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, पर जहाँ वैष्णव लोग होते हैं और जहाँ कथा होती है उसको बोलते हैं वैष्णव सभा या बोलते हैं वैष्णव परिवार। दो बातें बोलते हैं, या तो वैष्णव सभा या फिर वैष्णव परिवार। तो हम सब यहाँ पे लोग कौन बैठे हैं, एक वैष्णव फैमिली बैठी है। तो मैं अपनी एक बात रखने की कोशिश करूँगा अपने परिवार के सामने, अगर मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, एक अपना छोटा बच्चा समझ करके मुझे माफ़ कर देना। मेरा सबसे पहले एक प्रश्न है, इतने दिनों से कथा चल रही है गुरु जी, दो तीन बार अच्छा नहीं लगता ऐसे वैसे बोलना, पर गुरु जी दो तीन बार बोल देते हैं कि सामने जो माता जी बैठी हैं वो चुप हो जाएं, आपस में बात ना करें। एक दिन बोलने के बाद दूसरे दिन भी समझ में आया था। पर मेरा प्रश्न ये है कि जब यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं,
पहले तो चलो इस प्रश्न का आंसर ये मिल सकता था कि हम प्रसाद पाने आते हैं तो प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। तो क्या चीज है जिसके लिए जो आपको यहाँ खींच के लेकर के आ रही है, तीन तीन चार चार घंटे यहाँ बैठ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, फिर वापस जा भी रहे हो, अगले दिन फिर आ रहे हो, अपने काम छोड़ करके आ रहे हो, अपनी फैमिली छोड़ करके आ रहे हो, अपना घर छोड़ करके आ रहे हो, यहाँ बैठ रहे हो दो दो तीन घंटे अपना समय दे रहे हो, तो क्या वस्तु है वो? कभी विचार किया है कि हाँ कि आज हम क्या लेकर के गए यहाँ से? अच्छा कल मुझे एक बात बता सकता है कोई भी कि कल गुरुजी ने एक बात जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया था कि माता आज यहाँ से ये बात लेकर के जाओ, कल की कोई बात बता सकता है कोई एक? चिंता हाँ खड़े होके बताओ। सभी ताली बजाएं दीदी जी ने, जोर से बजाएं, बजनी चाहिए। और कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने गलत बता दिया तो उसे बोल देंगे बाहर जाके फुली सूली पे चढ़ा दो, ऐसे किसी को नहीं होने वाला। तो जो भी अभी तक तीन चार दिन से कथा चल रही है, कुछ ही ना कुछ तो सुना होगा, कोई एक बात खड़े होकर कोई बता दे, कोई नहीं है? प्रश्न तो यही है कि प्रश्न नहीं उठता, यहां आने के बाद भी प्रश्न नहीं उठता, कोई पूछे जाने पे भी प्रश्न नहीं उठता, आना बैठना और चले जाना, ये वो वाली बात होगी जो गुरुजी ने बताया ना। अभी यहाँ पे किसी ने बोला था कि हम कौन सी कितने पैसे की मूर्ति है, 5000 की, तो कोई कह सकता है हाथ खड़ा करके दावा उठा के कि मैं 5000 वाली हूँ? माता जी एक बार भी जवाब तो दिया नहीं आपने किसी बात का, वो है एक वो 5000 वाली। इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा कि इस कथा का क्या महिमा है, क्या महत्व है। हाँ बेटा कुछ बोलना है? बहुत सुंदर। इस बच्चे ने बोला है कि यहाँ पे आके सिर्फ इतना पता चलता है, इतना तो पता चलता है कि आत्मा को शांति कैसे मिले और उसका सबसे सरल उपाय क्या है। परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से पहला प्रश्न किया तो वो क्या था? यही था, उसने वो पहला प्रश्न बताया। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जाए। एक व्यक्ति, मैं एक छोटी सी कथा से स्टोरी से एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा होता सुबह सुबह, शरीर अच्छा खासा होता मेरे जैसा, तो लोग देखते हैं उसे, कभी कभी प्रश्न करते हैं, बोलते हैं हट्टा कट्टा तो है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, जैसे मुझे बोलते कभी कभी साधु बन गया है, खाने कमाना बस की नहीं है क्या? तो वो भी ऐसी भीख मांग रहा था, तो एक दिन किसी सेठ से टकरा गया, तो उससे बोलता है कि साहब भूख लगी है, कुछ पैसे नहीं है, कुछ खाने के लिए दे दो, आप कुछ दे दोगे तो पेट की भूख शांत हो जाएगी, बड़ी कृपा होगी अगर आप कुछ दे दोगे तो। तो सेठ उसे डांटता है, बोलते तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, इतना हट्टा कट्टा है, शरीर है, नौजवान है, मेहनत कर, खा, फिर कमा, उसका देख क्या अलग आनंद होगा। तो बोलता है कि सेठ बुरा ना मान लो मेरी बात का, पर मैं स्वयं मेहनत करके खाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि भीख मांगना मुझे अच्छा लगता है। तो बोलता करता क्यों नहीं है? तो बोलता है कि क्या करूं, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी कोई पढ़ाई नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, इस वजह से कोई मुझे जॉब नहीं देता, और जॉब नहीं देता तो मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मजबूरन मुझे भीख मांगनी पड़ जाती है। बोलता कि चल ठीक है, आज के बाद तुझे भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। बोले वो कैसे? बोले मेरे लिए काम करेगा, मैं तुझे जॉब देता हूं। बोलते साहब मजाक क्यों कर रहे हो? बोले मजाक नहीं कर रहा सच में, मजाक नहीं कर रहा सच में, मेरे लिए काम करेगा। बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप अगर जॉब दोगे आपके लिए मैं काम करूंगा, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा मैं, आप अगर मुझे जॉब दोगे तो। बोले चल ठीक है। बोले मैं तुझे काम नहीं दूंगा, मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता हूं। बोले कैसा पार्टनर? बोले 90% और 10% का पार्टनर। तो बोलता है कि साहब अगर मेरी बेइज्जती करने का उससे अच्छा और कोई तरीका नहीं मिला आपको, भीख देनी है तो दे दो, वरना नहीं देनी तो मुझे मना कर दो, मैं कहीं और जाके ट्राई कर लूंगा, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो ऐसे? बोले मैं बेइज्जती नहीं कर रहा सच में, तुझे मैं अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूं। बोले 90% और 10% का। बोले 90% कौन होगा? बोले 90% तेरा होगा, 10% किसका होगा? 10% होगा मेरा। तो वो सोचता है कि आज मैं सपना तो नहीं देख रहा कोई। बोले नहीं नहीं, तो सपना नहीं देख रहा, ये बात हकीकत है, अगर तू मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाता तो 90% जो शेयर होंगे वो तेरे होंगे। बोले मुझे करना क्या होगा?
बोले तुझे कुछ नहीं करना, मेरा चावल का कारोबार है, उस चावल के कारोबार को तो जगह जगह के जाकर के मेरे पास तो चावल बेचना है दुकानों में जाकर के, उससे जो प्रॉफिट होगा उसका 90% तेरा होगा और 10% तू मुझे घर बैठे दे दियो। तो बोले सेठ आप चिंता ना करो, आज से ही मेहनत करने लग जाऊंगा, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा, आपका कारोबार एक साल में डबल कर दूंगा। बोले चल तो लग जा काम पे। वो बोले आप चिंता ना करो। वो उसी दिन से जॉब करने लग जाता है और सेठ अपने घर चले जाता है। अब महीने की आखिरी दिन का इंतजार कर रहा है कि वो आकर के मुझे मेरे घर पे क्या देगा, मेरा 10% मेरा हिस्सा मुझे घर बैठे दे देगा। अब धीरे धीरे एक दिन बीता, दो दिन बीता, महीने की आखिरी डेट आ गई। अब सेठ इंतजार कर रहा है कि वो मुझे आकर मेरा 10% देगा, पर पहले महीने वो आया नहीं। सेठ को लगता है ज्यादा मेहनत कर रहा है, बंदा ज्यादा ही डेडिकेटेड है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए शायद भूल गया होगा, अगले महीने डबल दे देगा, पिछले महीने का भी और अगले महीने का भी। वो अगले महीने का वेट करता है। अगले महीने की लास्ट तारीख आ गई, तब भी नहीं आया। सेठ बोलता है इतना डेडिकेटेड बंदा तो मैंने कभी नहीं देखा, वो डेट ही भूल रहा है। वो सोचता है चलो अगले महीने दे देगा। तो तीसरे महीने का वेट करता है, तीसरे महीने की भी डेट आ गई, तब भी नहीं आया। चार महीने हो गए, पांच महीने हो गए, छह महीने हो गए, वो आया नहीं। तो वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं मेहनत करते करते ही हो गया, कुछ ऊपर ही हो गया, कहीं धूप में ज्यादा तो नहीं चल गया, ज्यादा चावल तो नहीं बेच दिया उसने। तो वो कह रहे एक बार जाके घर जाके पता करते हैं कि जिंदा भी है, ठीक ठाक है, क्या बात है, क्या नहीं है, कैसे नहीं आ रहा व्यक्ति। तो वो उसके घर जाता है, घर जाके दरवाजा खटखटाता है, और जब दरवाजा खटखटाता है तो वो निकल के बाहर आता है। तो वो आकर के पूछता है हाँ भाई आप कौन। तो बोलता पहचाना नहीं मुझे मैं कौन, भाई को पास मिला। तो बोलता नहीं। बोले तुझे याद है तू एक दिन भीख मांगते हुए मेरे पास आया था और मैंने तुझे जॉब दी थी। बोले अच्छा 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 आप। वो कह रहे हाँ मैं। बोले कुछ पार्टनरशिप की बात हुई थी हमारी। कह रहे हाँ मुझे पता। बोले क्या थी। बोले 90% एंड 10%। बोले ला मेरा 10%। बोले कौन सा 10%। वो व्यक्ति क्या बोलता है, कौन सा 10%, किस मुंह से कह रहे हो अपने 10% देने के लिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे। अरे इतना तो बता दो, स्वार्थी, और कोई, लालची, धोखेबाज, नमक हराम है, और भी किसी किसी के मन में तो गाली किसी किसी के मन में तो गाली भी चल रही होगी, है ना। तो अब ये जो भिखारी था ये एक्चुअल में है कौन, मैं, हम सब। क्यों, हम भिखारी थे, क्या लेके आए थे इस जगत में, मां के गर्भ से जब निकले तो कुछ था क्या, शरीर पे कपड़े भी थे क्या, किसने दिया सब, तो सब किसका हुआ। हमने गर्भ में क्या प्रण लिया था कि भगवान एक बार बाहर निकाल दो यहां से, बाहर निकल के क्या करेंगे, 24 घंटे तेरा भजन करेंगे। तो वो दिन दुगनी रात चौगनी वाली मेहनत वाली बात हो गई। तो जब भगवान ने कहा चल ठीक है 90% और 10% वाली डील कर लेते हैं, तो 24 घंटे मत कर, बस 10% दे दियो। तो जब भगवान एक दिन पूछते भैया मेरे 10%, तो कितने व्यक्ति हैं जो हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि भाई हम अपना 10% दे रहे हैं। अभी सवाल क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट। 10% किसे कहेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे का 10%, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट डेली कौन देता है भगवान को। अब हाथ खड़ा करो, कितने हाथ कम हो गए। तो जो बच्चे थे उनके बारे में कोई कुछ कह रहा था पहले, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को, लालची कहा था किसी ने, लालची, स्वार्थी, नमक हराम, और जो गाली भी सोच रहे थे वो अब कौन है। तो वही बने रहना है या फिर अपना आगे 10% चुकाना है। तो कितने लोग चाहते कि भैया आज के बाद हम अपना 10% आगे आगे चुकाएंगे, कि भैया आगे पीछे वाले के लालची बने रहना चाहते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु। हाँ देखा, सूरदास का एक पद है, ये सूरदास का पद है, हाँ, वो जिसका भजन है मैया मरी मैं नहीं माँ खन खायो, उनका ये पद है, कहते जिनी तनु दही, ध्यान देकर सुना,
बोले जिनी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकामी। ये सूरदास का पद है। जिसने तुमने सब कुछ दिया, धन दौलत पुत्र परिवार दुकान मकान, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया तुम उसको ही भूल करके बैठ गया। इसलिए कैसे कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकामी। इसलिए कोशिश करना उनके लिए थोड़ा समय दो, सवेरे उठ करके थोड़ी समय भगवान का नाम जप करो, ठाकुर जी का आरती उतारो, तुलसी परिक्रमा करो, माला लेकर के थोड़ी सी भगवान की भजन करो, भगवान की थोड़ी सेवा पूजा किया करो, ठीक है ना। तभी तो उसको कुछ देना होगा जिसने सब कुछ दिया। इसलिए सवेरे सबसे समय देंगे ठाकुर जी को, ठीक है। अभी हमारे बीच में हमारे श्री अनिरुद्ध प्रभु जी, अभी ध्यान देकर सुनो, ये प्रभु जी इसी विषय पर बताएंगे कैसे अपना बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिया जाए, अपना बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिया जाए, तुम्हारी बेटा कैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे बेटा कैसे बने, अपना घर को कैसे हम भगवान के धाम बनाएंगे, प्रभु जी इसी विषय पर अच्छी अच्छी बात बताते हैं। बोलो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ देखो, ये जो बच्चा कुछ कथा सुनाएगा ना, इस साधारण मत समझो, अच्छे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, इसका तनख्वाह करके लाख रुपया इसकी तनख्वाह है, लेकिन ये लिखा पढ़ा लड़का है, भजन भी करता है, अपना नौकरी भी करता है। देखो तिलक लगाए, गले में देखो तुलसी कंठी, देखो कैसे धोती पहन रखा है, हैं? ऐसे नहीं थोड़ा लिखा पढ़ा सीख गए तो अरे हम क्या थे और क्या हो गए। अरे भक्ति भक्ति की जरूरत नहीं, जिसका कोई काम धंधा नहीं वही सब माला जप करते भजन करते, ऐसे नहीं। ये सब बच्चे अच्छे लिखे पढ़े बच्चे हैं और इसको साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करते, दोनों काम करते हैं बच्चे सब। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सर्वस्त ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरि कथा सुनाने के लिए, जिससे कि हम सीखें कि हम ये भागवत से, ये गीता से, रामायण से, कि हम जब साधु संघ में आते हैं तो हमें क्या लेकर के जाना चाहिए, हमें क्या लेकर के जाना चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो आप लोग सब आए हैं कथा के अंदर, सब लोग कथा में आए हैं। देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका बड़ी मुश्किल से, बड़ी परिश्रम के साथ में उसका एक कॉलेज में एडमिशन हो गया, बड़े कॉलेज में, जैसे कि समझ लो आईआईटी में एडमिशन हो गया। किसमें एडमिशन हो गया? IIT. आप सब समझते हो ना आईआईटी, सब लोग लगभग समझते हैं। उसका बड़ी परिश्रम के बाद किसमें एडमिशन हो गया? आईआईटी कॉलेज में। बड़ी मुश्किल से उसने A 1 2 3 करके 12th तक क्लास करी, फिर बड़ी प्रिपरेशन करने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम दी, फिर जा करके उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। सब लोग बड़े खुश, किसका क्या हो गया, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, अभी इसकी लाइफ आगे बन जाएगी। लेकिन वो बच्चे ने क्या करा, जब इस कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, थोड़े दिन तक तो पढ़ाई करी, पर पता नहीं उसको कहाँ से फुटबॉल खेलने का चस्का लग गया। किसका चस्का लग गया? फुटबॉल खेलने का। वो कभी घर में फुटबॉल नहीं खेलता था, लेकिन फुटबॉल खेलने का उसको चस्का लग गया, और फुटबॉल इतना खेलना चालू करा कि पढ़ाई सब गई भाड़। अब वो फुटबॉल ही खेलने लगा बस,
और फुटबॉल खेलते 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 पहला साल भी निकल गया, जैसे तैसे पास हो रहा है बाउंड्री पे, जैसे तैसे पास हो रहा है, कभी फेल, बाउंड्री पे पास होते 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 जब प्लेसमेंट की बारी आई, जब जब आखिरी में रिजल्ट की बारी आई तो प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, रिजल्ट रहा जीरो। अब आप एक बात बताओ, जो उसने इतनी मेहनत करी थी, इतना सब कुछ जो किया था, वो क्या हुआ उसका बताओ, क्या हो गया? एक क्या हो गया? एक गोल गोल जीरो हो गया। क्यों? उसको एडमिशन मिला था, उसने पढ़ाई करके बड़ा अच्छे किसी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकता था, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता था कि नहीं सकता था, लेकिन उसने जो मौका मिला था उसको व्यर्थ गवा दिया। अब वो मौका उसको दोबारा मिलेगा नहीं। ये किसी और की स्टोरी नहीं है, ये किसी और की स्टोरी नहीं है, ये मेरे बुआ के बेटे की स्टोरी है। उसने ऐसा ही किया, वो सच जीरो भी घर पे बैठा, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ था, ले घर पे बैठा हुआ। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये जो मनुष्य शरीर हमको मिल गया है ना, समझो हमारा इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन हरि भजन को छोड़ करके अगर हम ये सारे काम करते रहे ना, तो एंड में रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? जीरो। बहुत बड़ा जीरो, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जीरो निकल करके आएगा। और देखो, अगर हम देखो, हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी महान है, बहुत महान भारतीय संस्कृति, मैं कई बार ये बात बताता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, हम चीज़ें तो करते हैं लेकिन उसके पीछे का मर्म क्या है, ये हम कोई भी काम करते हैं, तुलसी परिक्रमा क्यों करना चाहिए, हरिनाम क्यों करना चाहिए, गीता क्यों पढ़नी चाहिए, कि रामायण में क्या शिक्षा छुपी हुई है, हमारे त्योहारों के अंदर क्या शिक्षा छुपी हुई है, ये हमको पता ही नहीं, क्योंकि करते आ रहे हैं तो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। लेकिन अब जब पढ़े लिखे बच्चे हो गए, स्कूल कॉलेज में जाने लग गए, अब जब वो पूछते हैं कि भैया ये क्यों करना चाहिए, तो आपके पास में उत्तर नहीं है, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सच बोल रहा हूँ ना मैं? कितने लोग परेशान है कि बच्चे उनकी बात मानते नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपके पास में उत्तर ही नहीं है, आपके पास में उत्तर ही नहीं है। जो स्कूल में टीचर है वो उत्तर दे रहे हैं, उनके जो दोस्त है ना मोबाइल में से बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, इसलिए वो उसी से ही सीख रहे हैं, आपसे सीखेंगे नहीं। इसीलिए अगर ये जो सारी बातें रामायण में है, गीता में है, भागवत में, जितनी भी शिक्षाएं हैं, अगर ये सारे की सारी शिक्षा अगर किताब में ही रखी रह गई, केवल किताब में ही रखी रह गई, और बच्चों को हमने वो संस्कार दिया ही नहीं, अगर वो संस्कार आगे हमने दिया ही नहीं, तो वो समझो कि धीरे 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 जो आप लोग आकर के कथा में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान में विश्वास है, ठाकुर जी की सेवा पूजा हो रही है, ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरे लोग आकर के कब्जा करेंगे। क्या करेंगे? कब्जा। देखो शाहीनबाग पे कब्जा किया हुआ, सुना है आप लोगों ने क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप लोग सिखाते ही नहीं। वहां पर देखो, एक इशारे पर सारे लोग एकत्रित होकर के और आंदोलन कर रहे हैं। आज 60 दिन हो गए रास्ता रोका हुआ है, 20 लाख लोग घूम करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को देखो तो किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को ये धर्म की बात सिखाता ही नहीं है कोई। अगर दूसरे धर्म के लोग इस देश में ज्यादा हो गए, तुमको भगा देंगे, फिर जो घर वर बनाया ना उसी में घुस करके वो सब बैठ जाएंगे। सच बात बता रहा हूं, एनालिसिस है ये, मेरा एनालिसिस नहीं है, ये वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज होती है वो एनालिसिस करती है। ऐसा कई देशों के साथ में हो चुका है, पहले भी हमारे साथ में भी होगा। अगर अपने धर्म और संस्कृति को छोड़ करके अमेरिका की तरफ भगोगे ना, तो अमेरिका तो बनेगा नहीं, पाकिस्तान बन जाएगा ये देश। सच बात बता रहा हूं। लेकिन हम क्यों भाग रहे हैं? हम लोग क्यों भाग रहे हैं बताओ? सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक हम एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, आनंद, आनंद और आनंद। खाना खाएंगे तो आनंद आएगा, सोएंगे तो आनंद आएगा, बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाके बड़ी नौकरी लगेगी, बहुत पैसा मिलेगा, आनंद आएगा, पैसा कमाएंगे, घर में एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी लगेगा तो हमको आनंद आएगा। आनंद 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 की खोज में हम लोग लगे हुए हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी लोग, कुत्ता बिल्ली सभी लोग किसके पीछे लगे हुए हैं? आनंद के पीछे ही लगे हुए हैं। लेकिन हम आनंद क्यों चाहते हैं ये नहीं पता, और ये आनंद कहाँ मिलेगा ये भी नहीं पता। इसी कारण से क्या होता है, घूमते 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 थक हार के एंड में मर जाते। देखो ये आनंद कैसे मिलेगा। देखो अभी जो जिसके पास में 10 लाख रुपए, वो सोचता है कि 20 लाख रुपए वाला बहुत सुखी है,
इसके पास में 20 लाख रुपए वो सोचता, अरे जिसकी 4 मंजिल वाली कोठी है ना वो ज्यादा सुखी है, जो बड़े शहर में रह रहा है, जो छोटे शहर में रह रहा है उसको लगता है बड़े शहर वाला बहुत सुखी है, जो बड़े शहर में रह रहा है उसको लगता है कि अमेरिका के अंदर बहुत लोग सुखी है। सच बात है ना, ये हम लोग हमेशा उधर देख रहे हैं, दूसरी तरफ किधर देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। देखो अब मेरे को बहुत एक एक हंसी की बात बता दो, ध्यान से सुनो, हम लोग आनंद की खोज कर रहे हैं ना, संसार में सचमुच में आनंद है ही नहीं, ये संसार क्या है, दुखालयम और अशाश्वतम, भगवान ने ये बात को बोला। इसी प्रकार एक देखो कहानी सुनो, एक व्यक्ति था वो बड़ा दुखी था, क्यों था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ, सब लोग सुन रहे ध्यान से, तो कौन कौन ध्यान से सुन रहा, हाथ उठाओ। हाँ, एक व्यक्ति था उसका एक्सीडेंट हो गया सड़क पे और उसका एक हाथ कट गया, एक हाथ कट गया ना तो व्यक्ति इतना दुखी हो गया उसको लगा मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं, अब ये जीवन रखने से कोई फायदा नहीं, मुझे क्या कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। वो सुसाइड करने के लिए बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया, 10 माले की बिल्डिंग पर चढ़ गया और उसने बोला कि अब मैं यहां से कूद जाऊंगा और खेल खत्म। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ा ना, जैसे ही कूदने लगा उसने नीचे देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ, उसके दोनों ही हाथ नहीं है, क्या नहीं है, दोनों हाथ नहीं है। तो बोला कि ये इस आदमी के दोनों हाथ नहीं है, और वो आदमी ऐसे ऐसे करके खूब डांस कर रहा था, कैसे खूब नाच रहा था। उसने कई देर तक देखा कि ये देखो मैं कितना मूर्ख हूं, मेरा एक हाथ कटा है और मैं मरने जा रहा था, और ये जो नीचे नाच रहा है इसके तो दोनों ही हाथ नहीं है, मैं भी देखो कैसा पागल हूं, मरने जा रहा था। उसने जो है मरने का प्लान क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सीढ़ी से उतर के नीचे आया, उससे पूछा जो जिसके हाथ कटे थे ना, वो बोला भैया आपको देखकर तो आज मेरी जान बच गई, अगर आपको नहीं देखता ना तो मैं छत से कूद जाता, मेरा एक हाथ कट गया था, मैं इतना दुखी हो गया, मैं मरने के लिए उस पर चढ़ गया बिल्डिंग पर, आपको देखा तो मुझे लगा कि देखो जब बिना हाथ वाला इतना सुखी हो सकता तो मेरा तो एक हाथ बाकी है। वो बोला ओ भैया कोई सुखी वुखी नहीं, पीठ में खुजली हो रही थी, ऐसे ऐसे कर रहा था। उसको क्या लगा वहां पर क्या है, वहां वो सुखी है, वो ना वो सुखी है ना वो सुखी, केवल हमें क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा। इसलिए सुख ना इधर है ना उधर है, ना उधर अमेरिका के पास है ना इंग्लैंड के पास है, कहीं भी सुख है नहीं, सुख केवल एक ही जगह पर है, केवल और केवल भगवान की भक्ति के अंदर। ये मैं नहीं, ये तुलसीदास जी ने इस बात को बोला। हाँ क्या, हाँ तुलसीदास जी ने एक बात को बोला, कमठ पीठ जाओ मही बहुबारा, बंदौ सुत बरु काहू हिमारा, फूल ही नव बरु बहु विधि फुला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। भगवान से प्रतिकूल हो करके भगवान की भक्ति बिना किए कोई भी सुखी नहीं हो सकता, सिद्धांत दिया। मैं उस हिंदी समझ में नहीं आ रही, फिर बोले बारी मते घृत होत बरु शिक्ता ते बरु तेल, बिन हरि भजन भव न तरई यह सिद्धांत अपेल। सिद्धांत दिया है, बिना हरि भजन करे कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारे जीवन में एक ही काम करना है, केवल और केवल भगवान का भजन, लेकिन खुद तो करना है, साथ में बच्चों को कराना बड़ा जरूरी है, बच्चों को कराना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, आगे पाठ और पीछे सपाट हो जाएगा। हम लोग तो पढ़ेंगे सीखेंगे भक्ति करेंगे, लेकिन अगर बच्चों को नहीं सिखाया तो जो चीज आगे जानी चाहिए वो आगे नहीं जाएगी, और देखो सचमुच में नहीं जा रही है आजकल बच्चों को। देखो मैं खुद देखता हूँ, हमारे ऑफिस में मैं काम करता हूँ, सब मुर्गा मांस मछली खाने वाले लोग, 5 दिन काम करेंगे और 6ठा और 7वां दिन बस एक ही काम है उन लोगों, दारू पीना मुर्गा मछली खाना, बस यही इंजॉयमेंट है, सचमुच में यही है। कॉलेज में भी यही हो रहा है और जो बच्चे नौकरी कर रहे उधर भी यही हो रहा है, वो सब लोग आप लोग आग बंद करके देख रहे हो, क्यों क्यों देख रहे हो बताओ, उत्तर दो क्यों देख रहे हो, इतना तो मानते हो ना ये सब गलत है, कितने लोग मानते हो कि हाँ ये बात गलत है। मांस खाने वाला व्यक्ति, अगर तुम किसी को मार रहे हो और तुम सोचते हो जीवन में सुखी हो जाए, कभी हो सकते हो सुखी, किसी को मार के जीवन में कोई सुखी नहीं हो सकता, जो दोगे वही तुम्हें
हाँ, जो देते वही मिलते हैं. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो देंगे वही हमको मिलेगा. इसलिए सबसे आनंद से मिलना, सबसे बात करना, ठाकुर का भजन करना, अगर यही हम देंगे तो हमें उल्टा मिलेगा. इसीलिए अपने जीवन में भजन करना, और आपके जितने भी बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अगर आप उन लोगों को सिखाना चाहते हैं कि भाई तुलसी परिक्रमा, तुलसी का क्या महत्व है, क्या सचमुच में तुलसी सिर्फ एक पौधा ही है या उसके पीछे कोई विज्ञान भी है, इस बात के पीछे हम क्यों देते हैं, तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे कोई कारण है, ये हरिनामे क्यों करते हैं, गीता के अंदर, गीता केवल एक भावना के स्तर पर कोई बात लिखी हुई है कि गीता के अंदर कोई विज्ञान छुपा हुआ है. गीता के अंदर इतना बड़ा बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते. आप हैरान हो जाओगे कि भारत के लोगों के पास इतना ज्ञान था जो अब धीरे 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 लुप्त हो गया. एक विदेशी दार्शनिक जब भारत में आया ना, उसने, अंग्रेज, उसने भारत में आकर के देखा, उसने खुद लिखा हुआ है, अगर आपको देखना हो तो उसकी किताब जो है इंटरनेट पे भी मिल जाएगा आपको. उसने खुद, उसकी किताब खुद की लिखी हुई, हाथ की किताब. इतना पैसा लोगों के पास में है, लोग पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, किसी प्रकार से दुखी नहीं है, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये सब बात उसने बोली. बोला अगर हम 100-150 क्या हजारों साल तक भी अगर भारत को, इसकी संस्कृति को खत्म करना चाहें तो हम खत्म नहीं कर सकते, इसकी जड़ें इतनी गहरी है. लेकिन उसने फिर एक उपाय बताया, ये संस्कृति को हम कैसे खत्म कर सकते, उसने उपाय बताया. उसने उपाय ये बताया कि अगर किसी तरह जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम उसको इस तरीके से बनाएं कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका भारतीय संस्कृति से तो विश्वास उड़ जाए, और ये विश्वास हो जाए कि अमेरिका जो बता रहा है, इंग्लैंड जो बता रहा है, वही बात सबसे है, और ऐसा लगता है कि वो सफल हो गए. अब वो सफल हो गए, कितने लोग मानते हो कि हाँ वो लोग सफल हो गए, मानो सफल हो गए. कोई भजन नहीं कर रहा, देखो कोई बच्चे भजन नहीं करते, ना गीता पढ़ते ना रामायण पढ़ते. अगर यहाँ पर खड़ा करके पूछा जाए कि कौन बच्चा है जो गीता के 15 श्लोक सुना सकता है, लो मैं अभी पूछता हूँ, क्या कोई बच्चा यहाँ पर है कि जो गीता के 15 श्लोक 20 श्लोक सुना सकता है? 10 विधाओं से ही सुख मिल जाता. अगर ये जो दिख रहा है अमेरिका में, इंग्लैंड में, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, अगर यही इसी चीज से सुख मिल जाता तो वो लोग सुखी हो चुके होते. क्या हो चुके होते? उनकी खुद की रिसर्च है अमेरिका की कि हर साल अमेरिका के अंदर 70 लाख लोग, कितने, 70 लाख लोग बिना नींद की गोली खाए सो नहीं सकते अमेरिका के अंदर. जब तक नींद की गोली नहीं खाएंगे ना, वो सो नहीं सकते. इतने दुखी हैं वो लोग, उनको डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन हो रहा है, इतने दुखी लोग हैं. लेकिन भारत में देखो, भारत में देखो, अभी कथा में आए, 10 मिनट सुनो सो जाते लोग, वो पीछे सो भी रहे होंगे. ये भी कृपा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी वो सब चीजें नहीं है. जितने चीज, जितना पैसा हमारे पास में आता, पैसा नहीं, सुख सुविधा नहीं, उसके साथ में हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, उसको रखने के लिए, उसको संभालने के लिए टेंशन भी साथ में चली आती है. इसलिए जो दिख रहा है सचमुच में वो सही है, ऐसा मानो मत. सुख अगर सच बात है तो तुलसीदास जी की बात मानो. सुखी रहना है तो तुलसीदास जी की बात मानो. भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, भगवान की बात मानो, प्रहलाद महाराज की बात मानो, तब जाकर के हमारे जीवन में कभी सुख की अनुभूति हमें होगी. वरना भाग भाग के रेगिस्तान में जो मृग होता है ना, हिरण, उसको हर जगह पानी नजर आता है, लेकिन पानी कहीं भी नहीं है. वो घूमते 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 आखिरी में प्यासा होकर के मर जाता है. इसलिए हमें ऐसा नहीं जीना. रोज सवेरे उठ करके हरिगुरु वैष्णव से मंत्र लेकर के और सुबेरे स्नान करके ठाकुर जी का भजन करना चाहिए. घर में जो ठाकुर जी हैं उनको भोग लगा करके ही कुछ खाना चाहिए. जिसने इतना सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, एक आंख से भी काम चल सकता है. दो दे दी कि नहीं दे दी भगवान ने? एक आंख वाले नहीं देख सकते, एक आंख वाले भी देखते हैं, लेकिन भगवान ने कितनी आंख दी? दो. एक कान से भी सुनाई देता है, लेकिन कितने दिए? एक हाथ से भी काम चल सकता है, कितने दिए? एक पैर से भी काम चल सकता है, कितने दिए? किडनी कितनी दी? दिमाग कितने दिए? और मन और दिल क्यों दिया? क्योंकि ये मन, बुद्धि, दिमाग किसको देना है? भगवान को देना है. जो ठाकुर जी कृपा करके इतना सब कुछ हमको दे दिया, यहाँ तक कि हरि गुरु वैष्णव के रूप में आकर के बता भी रहे, अरे बच्चों कहाँ फंस गए, निकल जाओ, मेरा नाम करो, मेरी भक्ति करो.
ये करने के बाद में भी अगर हम भजन नहीं करते तो समझो हम क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, देखो उसका पुराण में लिखा हुआ है, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मायानुकूल नभस्व तेरितम पुमान भवाम दिना तरेत स आत्महा। अगर इतना मिलने के बाद में भी कोई भगवान का भजन ना करे तो क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। इसलिए आप लोग कोई भी आत्महत्या मत करो, आत्महत्या कोई भी मत करो, बस जहां पर हो गृह ठाको बने ठाको सदा हरी बोले ठाकुर, जहां पर भी हो वहां से ठाकुर जी का नाम करना। तो कितना एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बोला श्री गिरिराज महाराज की जय। अरे जोर से बोलो, बोला श्री गिरिराज बाबा की जय। रुक्मणी माता कहाँ है, जहाँ भी बैठी हैं पति पत्नी दोनों ऊपर आ जाए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ देखो आज हम लोग श्री ये माता जी के लिए जोर जोर ताली बजाओ, हम सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। हरे कृष्णा जल्दी आ जाओ। हरे कृष्णा इनकी पति देव कहाँ है वो तो आ जाओ। कौन कौन गिरिराज गोवर्धन गए हो हाथ उठाओ, तो कौन कौन गिरिराज गए? देखो ये गिरिराज है कौन और ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से, ये चीज को सुनो। बोले एक समय गोलोक वृंदावन में ये राधा कृष्ण दोनों बैठे करके आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक सुंदर स्थान हो जो पृथ्वी का सबसे सुंदर हो, सुंदर नदी हो झरनाए हो सुंदर गुफाएं हो सुंदर सरोवर हो सुंदर फल फूल हो, जहाँ पर एक साथ में छह ऋतु जहाँ पर बहता हुआ हो, ऐसे स्थान होनी चाहिए। तब श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को प्रकट किया है, इसलिए गर्ग संहिता में बताए प्रकृत है मनसा जात, ये गिरिराज गोवर्धन राधा जी के हृदय से ही ये प्रकट हुई है। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। बोले एक समय श्री कृष्ण ने राधा जी को बोले, बोले देखो राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? तब राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर यमुना महारानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, जहाँ पर नंदगांव नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ। तब श्री श्याम सुंदर बोले, बोले श्री श्याम सुंदर बोले देखो राधे मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा ये मरते जगत में, मैं जब चलूंगा ये संपूर्ण गोलोक वृंदावन मेरे साथ में चलेंगे, और जो कुछ ये गोलोक वृंदावन में देख रहे हो नंदगांव बरसाना गोवर्धन श्री यमुना पटरानी सब के सब मेरे साथ में चलेंगे। तब राधा रानी कहती ठीक है मैं फिर चलूंगी तुम्हारे साथ में। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन ये गोलोक वृंदावन से ही इसी जगत में आए, जब इसी जगत में आए देवता लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्पों की बौछार की और श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने जयकार दिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते रहते हैं, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है क्या मेरे से मांगेगा, और जो मांगो गिरिराज उनकी सारी इच्छाओं की पूरी कर देते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब है सभी इच्छाओं को जो पूरी करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है। कहते जी गिरिराज गोवर्धन ये आया कहां से, एक तो आए गोलोक वृंदावन से, लेकिन जो गिरिराज गोवर्धन श्री गोवर्धन में यहाँ पर कैसे आए इसकी दो कथा आती है। एक कथा आती है एक समय जब श्री भगवान राम माता सीता को उद्धार करने के लिए पुल बांध रहे थे, भगवान राम ने आदेश दिया बड़े से बड़े पत्थर उठा करके लाओ और नल स्पर्श कर रहे थे
और पानी के ऊपर में तैर रहा था पत्थर। हनुमान जी ने देखा बड़े से बड़े पत्थर अगर कहीं मिले पहाड़ उठा करके ले आओ जल्दी जल्दी पुल बन जाए। जब श्री हनुमान जी भ्रमण करते करते सालमल द्वीप में पहुंचे वहां पर देखा गिरिराज गोवर्धन। कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ तो। परिक्रमा करने के लिए करके 5-6-7 घंटा लगती है। इतना बड़ा श्री गिरिराज गोवर्धन। हनुमान जी ने देखा अगर ये पहाड़ को ले जाओ ना जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी और माता सीता की उद्धार हो जाएगी। हनुमान जी ने उठाया गिरिराज को बोले जय श्री राम बोल करके पूरा उठा ली गिरिराज को। उठा करते उठते हुए जा रहे थे अभी जहां पर गिरिराज जब वहीं पर आए इतने में पुल बांधना समाप्त हो गया। भगवान राम ने कहा देखो बंदर को बोलो और पत्थर की जरूरत नहीं पुल बन चुका है। हनुमान जी को पास में खबर आया हनुमान जी गिरिराज को वहीं पर रख दिए। जब रख दिए गिरिराज तो दुखी हो गए बोले प्रभु जी आप मेरे को इतने दूर से लाए हो अगर और थोड़ी दूर ले जाते फिर प्रभु सीता जी की सेवा में मैं लगता। भगवान स्वयं चल करके जाते लक्ष्मण चल करके जाते प्रभु का चरण स्पर्श मेरे को मिलता मेरे को यहाँ क्यों रखे मेरे को ले चलो। बोले चिंता मत करो यही राम ये तो तृतीया युग में आए जब ये श्याम बन करके द्वापर युग में आएंगे ठाकुर जी तेरे को कनिष्ठ अंगुल को ऊपर धारण करेंगे ब्रजवासी उसको नीचे आश्रय लेंगे और ठाकुर जी इसमें रास रचाएंगे गैया चराएंगे फल फूल खाएंगे इससे भी ज्यादा सेवा की मौका तुम्हें द्वापर युग मिलेगा। कहते ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है श्री पुलस्त ऋषि जब श्री गिरिराज गोवर्धन को ये इनके माता जी का नाम है धरा पिताजी का नाम था द्रोणाचल पर्वत इनके बच्चे बन करके गिरिराज जी प्रकट हुए। कभी पुलस्त ऋषि वहां पर पहुंच करके गिरिराज की शोभा को देख करके सोचे इसको मैं ले जाऊं काशी ले जाऊं। जब ले जा रहे थे उन्होंने दो शर्त बताए बोले बीच में उतारना नहीं अपवित्र नहीं होना अगर बीच में मेरे को कहीं रोक दिया तो फिर नहीं जाऊंगा। बोले कोई चिंता नहीं। जब गिरिराज उठा करके ले जा रहे थे जब वृंदावन में आए गिरिराज बांके बिहारी जी से प्रार्थना किया ठाकुर जी मैं तो गोलोक वृंदावन से आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ और ये मेरे को काशी फांसी देने ले जा रही इसलिए मेरे को तो अपना चरण में स्थान दे दो। इतने जोर से उनको लघु संख्या लगी और रोक नहीं पाए गिरिराज वहीं पर रख दी। लघु संख्या के लिए बैठे तो लघु संख्या खत्म ही नहीं हो जब बड़े समय के बाद में उठ करके उठाने लग गए गिरिराज टस से मस नहीं हुए बोले तू उठने क्यों बोले आपने क्या बताया था बीच में रुकना नहीं और अपवित्र हो जाओगे तो स्पर्श नहीं कर सकते हो सारी प्रतिज्ञा टूट गई। तब उन्होंने अभिशाप दे दिए तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तिल तिल परिमाण में नष्ट हो जाओगे तुम। इसलिए तब बोले देखो जब तक भगवान कृष्ण नहीं आते हैं तब तक जैसे मैं पूरा रहूं जब ठाकुर जी आकर के लीला करके चले जाएंगे फिर आपका अभिशाप लागू हो। उन्होंने तथास्तु बोल दिए। इसलिए एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती बड़ा सुंदर सुंदर खाना बना रही थी। कृष्ण ने बोले मैया मैया क्या कल मेरी जन्मतिथि बोले नहीं बोले ताऊ भैया क्या बोले नहीं बोले फिर ये रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही हो बोले पिताजी को पूछो। पिताजी गोद में बैठ करके बोले पिताजी क्या बात है ये इतना बढ़िया खाना क्यों बन रहा है बोले लाला हम इंद्र पूजा करेंगे बोले क्यों बोले स्वर्ग का राजा इंद्र इनके अधीन में मेघ है और हम लोग सबके सब ग्वाल वाल हैं हमारा जो मूल धन ये गाभी इंद्र का आदेश पर बारिश होता है गैया घास खाते हैं और उसी से ही दूध दूध से ही मक्खन दही जो कुछ दूध से होता दूध ही हमारा मेन आहार है। बोले पिताजी जहाँ पर ये इंद्र पूजा होती नहीं वहाँ क्या बारिश नहीं होती है क्या ये जंगल सबके सब इंद्र पूजा करते बारिश होती कि नहीं कहती ये समुद्र क्या पूजा करता है वहाँ कैसी बारिश होती है। बोले पिताजी हमने जो जीवन में कर्म किया है वो कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है इसलिए हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ वो होता पिताजी इसलिए पिताजी हमारी जो ब्रज का देवता ये गिरिराज गोवर्धन है इनकी कृपा से ही मेघ आकर टकरा करके बारिश होती है और ये गिरिराज से ही फल फूल सब कुछ इससे प्राप्त होता है इसलिए बाबा ये जो गिरिराज है ये पहाड़ नहीं ये हमारी ब्रज की प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज गोवर्धन है। ये गिरिराज गोवर्धन है कौन बोले ये साक्षात भगवान बांके बिहारी कृष्ण ये साक्षात भगवान विष्णु श्री गिरिराज महाराज
बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, बोले पिताजी कब से ये इंद्र पूजा कर रहे हैं, बोले जब से होश आए, बोले आपने देखा खाते हुए, बोले नहीं, बोले बाबा अगर आप गिरिराज की पूजा करोगे इन्हीं आंखों से साक्षात दर्शन करोगे, बोले इन्हीं आंखों से, बोले हाँ, बोले ठीक है बेटा हम इंद्र पूजा नहीं गिरिराज की पूजा करेंगे। सबके सब आदेश दे दिए, जितने ब्रजवासी थे ना सबके सब इतने खाना बनाए जिसका नाम हो गया अन्नकूट। अन्न मतलब होता है, अन्नकूट मतलब होता है पहाड़, मालपुआ की पहाड़, चावल की पहाड़, रोटी की पहाड़, रसगुल्ला की पहाड़, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। कृष्ण स्वयं अपना हाथों से पंचामृत से अभिषेक करवाए, अभिषेक करा के जब गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने अर्पण की, गिरिराज साक्षात प्रकट होकर के हाथ बढ़ा बढ़ा करके खा रहे थे, बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ, बोले प्रभु अब इसी में ही खुश हो जाओ, हम ब्रजवासी गरीब है। भगवान संतुष्ट हो गए। कृष्ण ने कहा भैया चकाचक प्रसाद पाओ, चलो हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। अभी हम सबके सब कीर्तन के माध्यम से गिरिराज की हम परिक्रमा लगाएंगे। हमारे प्रभु जी बड़े सुंदर गिरिराज की भजन गाएंगे। देखो प्रभु जी जो प्रसाद दे रहे हो पीछे, हरे कृष्णा, थोड़ी सी रुक जाओ, 5-10 मिनट बाद में प्रसाद देना। अभी कोई कीर्तन का आनंद लेकर के सब प्रसाद लेकर जाओ, अभी कोई मत जाओ जब तक आरती नहीं हो जाए, आरती लेकर के सबके सब जाना। अरे कहाँ डिब्बा है, हाँ जिन जिन्होंने डिब्बा में प्रसाद लाए हो उसमें प्रसाद भी थोड़ा थोड़ा डिब्बा में रख दिया है, हम लोग जाता समय इधर उधर नहीं करना, जिसका डिब्बा वही लेना, दूसरा लेकर जाकर पाप लगेगी। भगा प्रभु तो भैया गिरिराज महाराज को 56 भोग को कैसा आनंद आ रहा हूं महाराज जी, 56 भोग में रबड़ी हुई महाराज जी, बोले गिरिराज तो पहले ये 8 लाइन कवित्त की है 56 भोग की, और उसके बाद समय का अभाव है संक्षिप्त में आनंद लेंगे। खुरचन है खीर मोहन, मुंह में पानी मत लाना। हाँ बोलो चल चल। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है, मोन थार मेवा वाटी मथरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। देखो ये बूढ़ी मैया के मुंह में पानी आया, महाराज जी के मुंह में पानी आया, वो ब्रजवासी के साथ देख के नहीं है भैया। भुजिया नमकीन सेब गाठिया सकल पारे, और गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशुदा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशुदा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। आइए गिरिराज महाराज का 56 भोग का आनंद लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे एक बार, बोले गिरिराज गोवर्धन पूजा कर ले तेरो सब संकट मिट जावे, गोवर्धन पूजा कर ले तेरो सब संकट मिट जावे, तेरो सब संकट मिट जावे गो, और नैया पार लगावे गो, तेरो सब संकट मिट जावे गो, और नैया सब संकट मिट जावे गो, और श्याम की भक्ति पावे गो, संकट मिट जावे गो, और श्याम की भक्ति पावे गो।
धन पूजा कर ले जो सब संकट मिट जावे हो हर धन पूजा कर ले एक बार हाथ ऊपर करेंगे बोल गिरिराज महाराज की जय मिला हो वो महाराज सिर को आकर के फिर सामने दे दे नहीं तो कथा का फल नहीं मिलेगा समझ लीजिए भगवान अंतर्यामी को देख रहे हैं
राधा कुंड श्याम कुंड की दो आंखें गोवर्धन की, राधा कुंड श्याम कुंड की दो आंखें गोवर्धन की, इनको चरणा मत पाए तेरो सब संकट मिट जावे, इनको चरणा मत पाए तेरो सब संकट मिट जावे, गोवर्धन पूजा कर ले तेरो सब संकट मिट जावे, गोवर्धन पूजा और तो पिए जुड़े दिन रात
राधा।